भगवान तुम्हारा भला करे बहन। शायद बहुत दिनों से भूखे मालूम होते हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खाना नहीं देते? माँ बाप होते शायद बहुत दिनों से भूखे मालूम होते हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खाना नहीं देते? माँ बाप होते तो हम इस तरह गली गली भीगते क्यों मांगते? जब माँ बाप जिंदा थे तो हम भी तुम्हारी तरह राजा थे, पानी मांगते थे। माँ बाप की इज्जत उनके मरने के बाद ही होती है। जीते जी उनकी कदर करने वाले बहुत कम होते हैं। मम्मी। हाँ बेटे, ये कहाँ चला है? ये सब ऊपर का माल है मम्मी। अच्छा खैर मम्मी, वो लंगड़ी हर रोज की तरह आज फिर बेकारों को खाना दे रही है और फिर बाद में तुम्हें बदनाम करेगी कि तुम उसे भूखा रखती हो। जाओ जाओ देखो सही, देखो मैं जाती हूँ अभी खबर देती हूँ। मम्मी वो लंगड़ी हर रोज की तरह आज फिर बेकारों को खाना दे रही है और फिर बाद में तुम्हें बदनाम करेगी कि तुम उसे भूखा रखती हो। जाओ जाओ देखो सही, देखो मैं जाती हूँ अभी खबर देती हूँ। बहन तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा है ना? हाँ जिंदा तो है लेकिन बड़े भैया। बहन तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा है ना? हाँ जिंदा तो है लेकिन बड़े भैया। और भाभी से यही चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द दम निकल जाए। क्योंकि नंदू बड़े बड़े भाई और भाभी का खाती है तो स्वामी और नाम बताओ। शायद बहू प्रतिमा को मार रही, जाओ देवी जल्दी जाओ। बहू भगवान ने इसे अपाहिज बनाया है, तू गुंगी बना दे। तो बार कहा है हमें कोर्ट में मार लेती है पर इस नजीब दरी पर हाथ न उठाया कर तू गुंगी बना दे। तो बार कहा है हमें कोर्ट में मार लेती है पर इस नजीब गरीब पर हाथ न उठाया कर। हाथ ना उठाया करूं तो क्या करूं इसकी? गरीब मोहल्ला वालों से तो निंदा करते करते थक गई, अब भिखारियों को पकड़ी। उनको लाला से कह रही थी कि हम तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, अब मेरा तो जाकर अब जान लेने में बाकी क्या रह गया है बहू? घर के बड़े बूढ़ों का अपमान करना क्या ये जीती जी मार डालने से कम है? तो इस घर में कौन सा अपमान हो रहा है तुम्हारा? बस अब इतना ही बाकी रह गया कि तुम्हें छत पे उठाकर तीर्थ करने निकलो। अरे तुम क्या तीर्थ यात्रा कराओगी बहू, मर जाएंगे तो हरिद्वार फूल। घर में कौन सा अपमान हो रहा है तुम्हारा? बस अब इतना ही बाकी रह गया कि तुम्हें छत पे उठाकर तीर्थ करने निकलो। अरे तुम क्या तीर्थ यात्रा कराओगी बहू, मर जाएंगे तो हरिद्वार फूल भेज देना, यही बहुत होगा हम लोगों के लिए। मरने का इतना शौक है तुम मरते क्यों नहीं? और मरोगे भी कैसे? अभी मेरी किस्मत में दिन में तीन तीन बार मुर्गा फूटना जो रखा भेज देना, यही बहुत होगा हम लोगों के लिए। मरने का इतना शौक है तुम मरते क्यों नहीं? और मरोगे भी कैसे? अभी मेरी किस्मत में दिन में तीन तीन बार मुर्गा फूटना जो रखा है तुम्हारे लिए। कामा देते हो तो सुनाते क्यों हो बहू? दरवाजे पर बैठे हुए कुत्ते को भी कोई रोटी का टुकड़ा डाल खा है तुम्हारे लिए? कामा देते हो तो सुनाते क्यों हो बहू? दरवाजे पर बैठे हुए कुत्ते को भी कोई रोटी का टुकड़ा डाल। मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ बहू, आइंदा इस गरीब पर कभी हाथ न उठा। मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ बहू, आइंदा इस गरीब पर कभी हाथ न उठाना। इसे भी समझा लो हमारी बुराई न किया करे वरना वो घटना करूंगी या मेरे बच्चे को मार डालूंगी। सुबह हुई और घर में महाभारत शुरू, किसी वक्त तो चैन लेने दिया करो। मैंने क्या किया है बेटा? बहू प्रतिमा को मार रही थी, मैंने तो सिर्फ हाथ ही उठाया है। अगर आप इसकी बातें सुन लेते तो गला ही घोट देते। ये आपकी लंगड़ी बहन क्या है बेटा? बहू प्रतिमा को मार रही थी, मैंने तो सिर्फ हाथ ही उठाया है। अगर आप इसकी बातें सुन लेते तो गला ही घोट देते। ये आपकी लंगड़ी बहन जितनी बाहर से भोली है उतनी ही दिल की मैली है। ठीक कहती हो बहू, घर भर में एक तुम्हारे ही मन साफ है। सुन रहे हैं आप, दिन रात की सेवा का ये फल मिल रहा है मुझे। अच्छाई का फल अगर अच्छा होता तो ये दुनिया स्वर्ग न बन जाती। दिन भर मिल में जान तोड़कर काम करता हूँ, इन लोगों की हर फरमाइश पूरी करता हूँ, उसके बदले में इन लोगों के जले ये फल मिल रहा है मुझे।
अच्छाई का फल अगर अच्छा होता तो ये दुनिया स्वर्ग न बन जाती। दिन भर मिल में जान तोड़कर काम करता हूँ, इन लोगों की हर एक फरमाइश पूरी करता हूँ, उसके बदले में इन लोगों के जले कटे ताने मिलते। भैया, तो शुक्र है भगवान का कि ये लंगड़ी है, अगर दोनों टांगें बराबर होती तो मारने को दौड़ती। पहली को तनख्वाह आती है, दूसरी को खत्म। चुनरी कैसे अपने सर से ला के दूं? गुस्सा न करो बहू, दुनिया में जिनके सर पे छत नहीं होती वो भी जी लेते हैं, क्योंकि मेरी बच्ची एक चुनरी के लिए मर जाएगी। ओह चुप करो ना माँ, तुम लोग सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दो। रुपया कहाँ से आ गया? ये ऊपर का माल। ऊपर का माल? समझी समझी, ये ऊपर वाले ने भेजा। जो भी समझ लो, संभाल कर। किस्मत बदलते कुछ देर नहीं लगती है। लेकिन और लाऊं कहां से? अच्छा तो कल लेकर आना, ये लो 10 रुपए और चा पानी कर लेना। अच्छा चलो अपना काम हो गया। आदमी ईमानदार मालूम होता है, 10 रुपए तो दे गया तो क्या बाप के घर से दिए हैं? 490 तो हजम कर गया और 10 दे के दानी बनता है। चल मालूम, वो भी नहीं मालूम। क्या तुम माँ बाप को
बगीचे
बनाए बाग बगीचे यही बनाए को दे धरती फूल उगाए छुपा हुआ माटी में सोना ढूंढ के लाए ढूंढ के लाए आप ये अपनी मदद करे तो मालिक भी दे साथ मदद करे तो मालिक भी दे साथ साथ रहे साथ देखो मेरा दाया हाथ मेहनत ही को देवर समझे हार सिंगार को दौलत झूठी या बरसात साथ रहे दिन रात दे रात साथ रहे दिन रात देखो मेरा दाया हाथ दाया हाथ साथी मेरा बड़ा पुराना साथ रहे दिन रात देखो मेरा दाया हाथ दाया राजू भैया सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारी कविता के जोश से पूरे दिन का काम आधे दिन में खत्म हो जाता है तुम्हारी तुम्हारे धुनी होनी चाहिए अरे दुखिया जो मिलता है वही मिलता रहे तो हम सुखिया हो जाएं सुखिया सच कहते हो भैया राजू भैया राजू भैया दफ्तर में तुम्हारा तार पड़ा था वो ले आया हूँ कैसा तार है भैया मेरी माँ बीमार है तो जल्दी जाओ भैया जल्दी जाओ I'm sorry, Mr. Raju. न तुम्हें छुट्टी मिल सकती है और न एडवांस लेकिन क्यों मैनेजर साहब इसलिए कि छुट्टी तुम्हारी ड्यू नहीं है और एडवांस देना हमारी कंपनी का कानून नहीं मैनेजर साहब थोड़ी देर के लिए अपनी कंपनी के कायदे कानून बदल दीजिए मेरी लेकिन क्यों मैनेजर साहब इसलिए कि छुट्टी तुम्हारी ड्यू नहीं है और एडवांस देना हमारी कंपनी का कानून नहीं मैनेजर साहब थोड़ी देर के लिए अपनी कंपनी के कायदे कानून बदल दीजिए मेरी माँ सख्त बीमार है मैं उसके पास जल्द अज जल्द पहुँचना चाहता हूँ मैंने कह जो दिया राजू कि मैं कुछ नहीं कर सकता आखिर तुम्हारी माँ बूढ़ी है ना उसके लिए इतना परेशान क्यों होते हो उसकी बातें करो मैनेजर साहब आदमी पैदा होता है तो माँ के पेट से पलता है तो माँ का दूध पीकर और जिंदगी में आगे बढ़ता है तो माँ के आशीर्वाद से जो बेटा अपनी माँ के दुख पे हाजिर नहीं हो सकता वो बेटा नहीं पत्थर है देखो मिस्टर ये मेरा दफ्तर है मजदूरों का अड्डा नहीं जहाँ पर तुम लेक्चर दिया करते हो मैंने 100 बार कह दिया कुछ नहीं मिल सकता चले जाओ यहाँ से मैनेजर साहब आपको भी किसी माँ ने जन्म दिया होगा उसी माँ के नाम पर मुझे बंबई तक का किराया उधार दे दीजिए मैं आपको लौटा दूंगा ये कोई यतीम खाना नहीं मैनेजर साहब आपको भी किसी माँ ने जन्म दिया होगा उसी माँ के नाम पर मुझे बंबई तक का किराया उधार दे दीजिए मैं आपको लौटा दूंगा ये कोई यतीम खाना नहीं है तुम्हारे ऐसे सैकड़ों भीख मांगने वाले यहाँ आया करते हैं भगवान से डरो मैनेजर
हो सकता है जिंदगी में ऐसा वक्त भी आए जब तुम्हें भी भीख मांगने की कतार में खड़े रहना पड़े, और उस दिन ही है तुम्हारे ऐसे सैकड़ों भीख मांगने वाले यहाँ आया करते हैं। भगवान से डरो मैनेजर, हो सकता है जिंदगी में ऐसा वक्त भी आए जब तुम्हें भी भीख मांगने की कतार में खड़े रहना पड़े, और उस दिन तुम्हें भीख मिल जाए। गेट आउट। हे ठहरो बेटा। क्या बात है? ये लो इसे बेचकर रेल का टिकट खरीद लेना। जी लेकिन आप कौन हैं? मैं तुम्हारी मैनेजर की माँ हूँ बेटा, बल्कि तुम्हारी भी माँ हूँ। मैं सब कुछ सुन रही थी। ये लो बेटा। जी नहीं इनकार न। मैं तुम्हारी मैनेजर की माँ हूँ बेटा, बल्कि तुम्हारी भी माँ हूँ। मैं सब कुछ सुन रही थी। ये लो बेटा। जी नहीं इनकार न करो। लो बेटा माँ की बात नहीं मानोगे? बेटा कितना ही संदिल क्यों ना हो, माँ माँ होती है। लेकिन माँ मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारू? बेटा कितना ही संदिल क्यों ना हो, माँ माँ होती है। लेकिन माँ मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारू? बस बेटा बस, इतना ही करना। बेटा कहा तुम्हें भूल जाना, उसे बदवा नहीं देना मेरे नाल। जाओ बेटा जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देखती होगी। जाओ मेरे बच्चे। बाबूजी मेरी पेटी थी सो पेटी में टिकट थी मेरी। बाबूजी मेरी पेटी को ले गए बाबू। बाबू बहाना ही करना तो कोई नया बहाना दो। ऐसे बहाने तो मैं रोज बीसों सुनता हूँ। बाबू जी बहाना नहीं, मैं आप सच कहता हूँ, यकीन मानिए मैं। मेरी बेटी थी उसमें टिकट थी, पैसे भी थे, कपड़े भी थे, सब कुछ था। बहाना ही करना तो कोई नया बहाना दो। ऐसे बहाने तो मैं रोज बीसों सुनता हूँ। बाबू जी बहाना नहीं, मैं आप सच कहता हूँ, यकीन मानिए मैं। मेरी बेटी थी उसमें टिकट थी, पैसे भी थे, कपड़े भी थे, सब कुछ था। कहाँ तक का टिकट था तुम्हारा? जी बम्बई तक का। अच्छा पैसे उतारो दूसरा टिकट दे। बाबू जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, सब कुछ उसी में था। मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ऐसा करो तुम इसी स्टेशन से उतर जाओ, रेलवे पुलिस को जाकर रिपोर्ट करो। लेकिन बाबू जी मुझे मुंबई बहुत जल्दी पहुंचना है। रेलवे तुम्हारा देरी या जल्दी से मुंबई पहुंचने का जिम्मेदार नहीं है। प्लीज कहता हूँ प्लीज इसी स्टेशन से उतर जाओ, रेलवे पुलिस को जाकर रिपोर्ट करो। लेकिन बाबू जी मुझे मुंबई बहुत जल्दी पहुंचना है। रेलवे तुम्हारा देरी या जल्दी से मुंबई पहुंचने का जिम्मेदार नहीं है। प्लीज कहता हूँ प्लीज हरिया हरिया चलिए।
लस्सी तो बड़ी अच्छी हो गई थी, पर ये सारे भी कहाँ से? माँ माँ भाभी ने कहा था इसे पैक करके रख देना, तो माँ हम इतनी कीमती साड़ी तो खरीद नहीं सकते, तो भाभी ने कहा था इसे पैक करके रख देना, तो माँ हम इतनी कीमती साड़ी तो खरीद नहीं सकते, तो मैंने सोचा इसे ही दो घड़ी पहनकर अपना दिल फैला लूं। मैंने तुझे सौगंध दी थी ना कि भाभी से कोई चीज न मांगना। मैं तो छुपा कर पहनी है। उतार दे इसे प्रतिमा, बेटे उतार दे इसे। अच्छा माँ, लेकिन पहले मैं अपनी सहेली को सिर्फ एक बार दिखाई हूँ माँ, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि मैं कोई ऐसे वैसे माँ बाप की बेटी नहीं हूँ। अच्छा माँ, फिर मैं आती हूँ, थोड़ा उतार दूंगी माँ। मैं ले जाती हूँ। लेकिन सुन बेटी, मैं आई माँ। बेटी देवी, देख प्रतिमा। देवी जाने दी तो बच्चा, तुम जरा ये चीज डैडी, आप अभी तो जमीन में नहीं गए? नहीं बेटा, आज जरा देर से जाऊंगा। लेकिन ये टोली आज आई किधर से? आई नहीं डैडी, जा रही है। आज बरसात का पहला पहला छिटा पड़ा है ना डैडी, हम सब मिलकर घूमने जा रहे हैं। अच्छा। चलिए जाओ डैडी। आज आई किधर से? आई नहीं डैडी, जा रही है। आज बरसात का पहला पहला छिटा पड़ा है ना डैडी, हम सब मिलकर घूमने जा रहे हैं। अच्छा। चलिए जाओ डैडी। हाँ हाँ, ये नहीं कोई पूछने की बात है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अंधेरी बरखा कुछ ले जाओ। हाँ हाँ, सॉस ले जाओ। बरखा, ओ बरखा, मिश्रा जी बरखा कहाँ है? अभी 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 मुझ पर बस रही थी। पंडितान, ओ पंडितान, क्या है? अभी तो कह रहे थे तीन दिन तक बातें नहीं करूंगा तुमसे। देवी जी, ओहो, आज फिर तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? बेबी जी, झगड़ा तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन इसके बाप ने मेरे बाप से इसके लिए बात पक्की की थी। देखो पंडित, मेरे बाप का नाम लिया था। अरे मैं क्यों ऐसे आदमी का नाम लेने लगा जिसके घर में तुम जैसी झगड़ालू लड़की पैदा हुई हो? इतनी झगड़ालू हूँ तो मैं क्यों नहीं जाने देते? छोड़ो भी बरखा, तुम लोग तो हर सुबह झगड़ा करते हो और शाम को सुना। बेबी जी, आप नहीं समझती, ना ये मुझे छोड़ सकती है और ना मैं इसे छोड़ सकता हूँ। ये तो हम जरा जिंदगी के लिए झगड़ा कर लेते हैं। चलो बरखा, हमारे साथ मोटर में चलो। Thank you.
देखेंगे। अरे ये तो पंचर हो गया। अब क्या होगा? ठहरिए ठहरिए, हमारी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है, आप पहिया बदलने में कुछ मदद कर सकते हैं? जी हाँ मैं कर देता हूँ। ठीक, वो जरा सामान। जी हाँ मैं देती हूँ, बदलने में कुछ मदद कर सकते हैं? जी हाँ मैं कर देता हूँ। ठीक, वो जरा सामान। जी हाँ मैं देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी, इन्हें कुछ पैसे दे दो। जी नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी, इन्हें कुछ पैसे दे दो। जी नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती हैं तो अपनी गाड़ी में थोड़ी सी जगह मुझे दे दीजिए, मैं बंबई पहुंचना चाहता हूँ। मेरे पास पैसा भी नहीं जो मैं ट्रेन या बस में सफर कर सकूँ। तो क्या आप बंबई से पैदल ही जा रहे थे? जी हाँ, एक गरीब और मजबूर आदमी और कर भी क्या सकता है इंसान। और फिर माँ की बीमारी की खबर सुनकर कौन चैन से बैठ सकता है? बस मुझे घर तक पहुँचा दीजिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर माँ की बीमारी की खबर सुनकर कौन चैन से बैठ सकता है? बस मुझे घर तक पहुँचा दीजिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखा बरखा, इस जमाने में भी माँ बाप की चिंता करने वाले लोग बाकी। चलिए, आपको घर तक पहुँचाना मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। आइए आइए ना। जी नहीं, आप लोग बैठिए, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। यही कहीं बहू, आज सोहन का जन्मदिन। ये लाजरानी कहाँ गई है? होके यही कहीं बहू, आज सोहन का जन्मदिन है ना, एक ही सब्जी पकी है। ये तो अंधे हैं, तुम्हें भी क्या कम दिखाई देने लगा है? सब्जी के साथ प्याज जो रखी, प्याज सब्जी नहीं होती क्या? बहू इनकी भूल हो गई है, मैं बहुत दिन से मीठा खाने को तरस रहा हूँ, सोचा था आज सोहन का जन्मदिन है, आज मुझे शायद मीठा नसीब हो जाए। मीठा तो बना है लेकिन खाकर हजम कौन करेगा? बीमार पड़ गए तो? उसकी चिंता तुम न करो बहू, जब तक मैं जिंदा हूँ इनकी सेवा का कष्ट तुम्हें न होने दूंगी। मेरे लिए न सही, इनके लिए थोड़ा सा एक कटोरी में ला दो ना। अच्छा मीठा लाए देती हूँ।
और मीठी चीज। जीती रहो बेटा, बुढ़ापे में मीठा खाने का शौक भी पूरा कर लो। लो, लो, खा लो। क्या हुआ? बहू ने मीठा तो जरूर खिलाया मगर उसने मिट्टी का तेल डाल के। ये कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रहा हूँ देवी। बहू, बहू। देवी तुम आ ना जा, डाल के। ये कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रहा हूँ देवी। बहू, बहू। देवी तुम आ ना जा। बहू, क्या बात है, चिल्लाती क्यों? अगर हम लोगों से इतना ही बैर है तो सोते में गला घोट देना। ये खीर में मिट्टी का तेल क्यों मिला दिया तूने? राम राम राम। नेकी करो और जूता खाओ। बुढ़ापे में जबान का सवाद बिगड़ गया और सोच के मुझे हो। खाना हो तो खाओ, क्यों मिला दिया तूने? राम राम राम। नेकी करो और जूता खाओ। बुढ़ापे में जबान का सवाद बिगड़ गया और सोच के मुझे हो। खाना हो तो खाओ वरना जपो राम राम। जीते रहो। तुम कहाँ से टपक पड़े? भाभी पहले ये बताओ कि माँ कैसी है? वरना जपो राम नाम। नमस्ते। जीते रहो। तुम कहाँ से टपक पड़े? भाभी पहले ये बताओ कि माँ कैसी है? उससे क्या हुआ है, हट्टी कट्टी तो है, अंदर जाके देख लो मजे से छोड़ा रही है। लेकिन वो तो बीमार थी। इतने मेरे भाग्य कहाँ, जो वो बीमार उससे क्या हुआ है, हट्टी कट्टी तो है, अंदर जाके देख लो मजे से छोड़ा रही है। लेकिन वो तो बीमार थी। इतने मेरे भाग्य कहाँ, जो वो बीमार पड़े और मैं उसकी सेवा करूँ। सामान कहाँ है तुम्हारा? पहले पहले नौकरी से आए हो, भाभी के लिए भी कुछ लाए हो? बस भाभी अपने आप को ही लेकर आया। तो फिर जो वो पड़े और मैं उसकी सेवा करूँ। सामान कहाँ है तुम्हारा? पहले पहले नौकरी से आए हो, भाभी के लिए भी कुछ लाए हो? बस भाभी अपने आप को ही लेकर आया। तो फिर जो माँ के पास। माँ, राजू, बेटा, मैं तुझे देख तो नहीं सकता, तुझे गले से लगा के अपना कलेजा ठंडा कर लूँ। राजू, जब तू यहाँ से गया था तो तेरा शरीर इतना कमजोर तो नहीं था? राजू की माँ, जब कोई कमजोर तो नहीं हो गया? जी नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल अच्छा बना। अच्छा बेटा, माँ तो तेरा शरीर इतना कमजोर तो नहीं था? राजू की माँ, जब कोई कमजोर तो नहीं हो गया? जी नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल अच्छा बना। अच्छा बेटा, माँ राजू, राजू माँ, प्रतिमा का तार देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। राजू, राजू माँ, माँ, प्रतिमा का तार देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। शुक्र है भगवान का तुम अच्छी तो हो। लेकिन एक बात तो बता माँ, भैया तुम लोगों की देखभाल ठीक करते हैं ना? माँ, पिताजी, बात क्या पिताजी? बेटा हम कुछ ना कहेंगे। माँ, पिताजी, बात क्या पिताजी? बेटा हम कुछ ना कहेंगे। माँ तुम रो कर रही, बोलते क्यों नहीं? माँ बोलो ना, बात क्या है? माँ माँ तुम रो कर रही, बोलते क्यों नहीं? माँ बोलो ना, बात क्या है? माँ बेटा, मुझे अपना तो दुख नहीं है लेकिन जब तेरे पिताजी का अपमान होता है तो मुझसे नहीं सहा जाता। खीर की कटोरी देखी, इससे कुछ ना कहो। मिट्टी का तेल, समझा ये सब भाई। दीदी इससे कुछ ना कहो। मिट्टी का तेल, समझा ये सब भाभी की करतूत है। भाभी, कब तक छुपेगी? है चल, शर्म नहीं आती बड़ी बाबू का हाथ पकड़ते हुए? मैं तेरी माँ बराबर हूँ। अरे बच्चा, माँ का हाथ नहीं पकड़ेगा तो और किसका पकड़ेगा? है, चल तुम्हें तेरी करतूत दिखाऊँ। छोड़ मुझे।
भारती का पहले ये खीर का तोड़ दिखाऊं। चल बहुत भारती का पहले ये खीर का फिर भागना। अब उसको ठिकाने हैं, ससुर का जूठा खाने को कह रहा मुझे। अगर ससुर का जूठा खाएगी पिछले जन्म के नहीं तो इस जन्म के पाप जरूर धुल जाएंगे। पाप किया है वही खाए, मैं नहीं खाती। फिर भागना। अब उसको ठिकाने हैं, ससुर का जूठा खाने को कह रहा मुझे। अगर ससुर का जूठा खाएगी पिछले जन्म के नहीं तो इस जन्म के पाप जरूर धुल जाएंगे। पाप किया है वही खाए, मैं नहीं खाती। तू कैसे नहीं खाती, मैं तुम्हें जरूर खिला। अरे आप तुम रही बैठा जी आया ना मजा ले खा थोड़ी और खा नहीं तो करती है कौन राजू इतनी हाथापाई क्या हो रही। भैया जरा भाभी को खीर खिला रहा था। देखा आपने ये है आजकल के देवर। मैं पीने पीने बात रही ना बिता रखा है कौन राजू इतनी हाथापाई क्या हो रही। भैया जरा भाभी को खीर खिला रहा था। देखा आपने ये है आजकल के देवर। किस बेहयाई से मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ा, कुछ देख लेता तो कुछ का कुछ समझ लेता। शर्म नहीं आती तुम्हें भाभी का हाथ पकड़ते हुए? दो रोज बाहर की हवा क्या लग गई कि चाल चलन बिगड़ कर रह गया। भैया जी आपने किस बेहयाई से मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ा, कुछ देख लेता तो कुछ का कुछ समझ लेता। शर्म नहीं आती तुम्हें भाभी का हाथ पकड़ते हुए? दो रोज बाहर की हवा क्या लग गई कि चाल चलन बिगड़ कर रह गया। भैया जी आपने तो ना चाल बिगड़ी है ना चलन बिगड़ा है, लेकिन इस घर का नक्शा जरूर बिगड़ गया है। इसे सुनकर देखिए, भाभी पिताजी को खीर में मिट्टी का तेल पिला रही थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मिट्टी का तेल तो आजकल दूध से भी महंगा है। तो बिल्ली बिल्ली गिरा रही होगी। ये खड़ी है बिल्ली आपके सामने। शाबाश बखुरदार, खूब बड़ी भाभी की इज्जत कर रहे हो। और शाबाश आपको भी जो अपने बुड्ढे माँ बाप को मिट्टी के तेल जैसी महंगी चीज पिला रहे हैं। तो बिल्ली बिल्ली गिरा रही होगी। ये खड़ी है बिल्ली आपके सामने। शाबाश बखुरदार, खूब बड़ी भाभी की इज्जत कर रहे हो। और शाबाश आपको भी जो अपने बुड्ढे माँ बाप को मिट्टी के तेल जैसी महंगी चीज पिला रहे हैं। जान पड़ता है आज तो लड़ने की ठान कर आया। आया तो कुछ और सोच कर था भैया, लेकिन माँ बाप की यह हालत देखकर अब लड़ना ही पड़ेगा। बड़े भाई से लड़ेगा? राजू जान पड़ता है आज तो लड़ने की ठान कर आया। आया तो कुछ और सोच कर था भैया, लेकिन माँ बाप की यह हालत देखकर अब लड़ना ही पड़ेगा। बड़े भाई से लड़ेगा? राजू नहीं नहीं मेरे बच्चों, तुम आपस में झगड़ा हमारे लिए न करो। आप चुप बेटा, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा कि माँ बाप का अपने बच्चों पर कितना अधिकार होता है। मैंने कौन सा इनका अधिकार छीन लिया? इनके लिए जो कुछ करता हूँ मैं ही तो करता हूँ, तू तो नहीं करता। अगर आप कुछ करते भी हैं तो एहसान किस बात का जताते हैं? पिताजी ने आपको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, कर्ज लेकर बीए तक तालीम दिलवाई, उन्होंने तो कभी एहसान नहीं जताया। आप दो वक्त की रुखी का देते हैं, अपने आप को दिखिए उनका कमा देखिए। बाहर से कोई मेहमान आ जाए तो ये समझे जैसे ये आपके लोग। अपनी जितनी हिम्मत तालीम दिलवाई, उन्होंने तो कभी एहसान नहीं जताया। आप दो वक्त की रुखी का देते हैं, अपने आप को दिखिए उनका कमा देखिए। बाहर से कोई मेहमान आ जाए तो ये समझे जैसे ये आपके लोग। अपनी जितनी हिम्मत है उतना कर रहे हैं, इन्हें किसी सिंहासन पर बिठाना है तो तुम बिठा लो। भाभी मेरे पास सिंघन है लेकिन सारा घोटा जरूर बिठा सकता हूँ। हिस्सा मुझे दे दो। हिस्सा? कैसा हिस्सा? ऐसे घर में रहना भी क्या। चल चल ऐसे घर में रहना भी क्या। चल चल ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। माँ की आंख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, गोद में माँ की आंख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा तुझे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की,
सेवा से बढ़ के इन दोनों की सेवा से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की से बढ़ के इन दोनों की सेवा से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की सर से उतरेगी गठरी पाप की ले लो दुआएं माँ बाप की दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं दुख सहना माँ बाप की खातिर कर्ज तो है एहसान नहीं कर्ज है इनका तेरे सर पर भिक्षा या कोई दान नहीं हो भिक्षा या कोई दान नहीं ले लो ले लो भिक्षा या कोई दान नहीं हो भिक्षा या कोई दान नहीं ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की सर से उठ देगी कचरी पाप की ले लो दुआएं माँ बाप की पिता के चरण छुए जो चार धाम की रथ फल पाए वो चार धाम की रथ फल पाए बात पिता के चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पाए जो आत पिता के चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पाए जो आशीष ये दिल से दे भगवान से भी खाली ना जाए भगवान से भी खाली ना जाए ले लो दुआएं माँ बाप की सर से उठ देगी गठरी पाप की ले लो दुआएं माँ बाप की पाप की ले लो दुआएं माँ बाप की बेटा प्रसाद लो पुजारी जी यहाँ कुछ रहने का इंतजाम हो सकता है भगवान के घर में जगह की क्या कमी पुजारी जी यहाँ कुछ रहने का इंतजाम हो सकता है भगवान के घर में जगह की क्या कमी परदेसी हो क्या जी परदेसी थे तो नहीं लेकिन हो गए घबराओ मत जब तक किसी दूसरी जगह का इंतजाम ना हो जाए भगवान के चरणों में यहीं कहीं रहो धन्यवाद प्रभु बड़ा अच्छा चबूतरा है बेटा जी आइए आप यहाँ लेट जाइए अब तू कहाँ चलेगा बेटा मेरे पास बड़ा अच्छा चबूतरा है बेटा जी आइए आप यहाँ लेट जाइए अब तू कहाँ चलेगा बेटा मेरी चिंता मत कर माँ मैं यहीं कहीं लेट जाऊंगा क्यों बिस्तर नहीं है जमीन पर लेटोगे जमीन से अच्छा बिछोना और क्या हो सकता है पिताजी
और फिर वो भी भगवान के मंदिर की जमीन। मेरी चिंता मत कर माँ, मैं यही कहीं लेट जाऊंगा। क्यों, बिस्तर नहीं है, जमीन पर लेटोगे? जमीन से अच्छा बिछोना और क्या हो सकता है पिताजी। और फिर वो भी भगवान के मंदिर की जमीन, जहाँ से मिट्टी लोग सारा आंखों पे लगाते हैं। आइए मिट्टी लोग सारा आंखों पे लगाते हैं। आइए ए मकड़ी, किधर ले प्रसाद। चलो भैया, अब तुम ये मेरा सुख है। अरे भैया, ये तो भगवान का प्रसाद है, तुम क्यों नहीं खाते? देख बहन, मैंने कसम खाई है, जब तक तेरे लिए अच्छी सी चुनरी नहीं लाऊंगा ना, कोई नहीं मीठी चीज। भैया चुनरी तो आती रहेगी, तुमको खाना पड़ेगा। चलो नहीं, पगली हो गई क्या? नहीं नहीं भैया, मैं तुमको खिला दूंगा। मत करो, भैया की बात मानते हैं तो तुम खाओ। अरे बेटा, इतने दिन तूने कमाया, कुछ बचाया तो जरूर होगा। बेटा इतने दिन तूने कमाया, कुछ बचाया तो जरूर होगा। गौरव की झूठी कमाई का क्या पूछते हैं पिताजी, असली कमाई कब कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, बहुत रात गई, सो जा। कोई बात नहीं, सो जाओ बेटा, बस सो जाओ। शाबाश। दीदी जी, मालकिन को गुजरे आज 12 साल हो गए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास ही हो। बेटा सरिता, हर साल की तरह तुम्हारी माताजी की यादगार में आज भी तुम मंदिर में जाकर गरीबों को मिठाई बांट कर आओ। हर साल की तरह तुम्हारी माताजी की यादगार में आज भी तुम मंदिर में जाकर गरीबों को मिठाई बांट कर आओ। मालिक, इन्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं ये काम कर लूंगी। तुम ही चली जाओ, मकसद तो हमारा तुम्हारी यादगार में दान पुण्य से ही है। एक और दो मां। राजू बेटा, राजू, क्या राजू कहीं गया है? हाँ, खाने पीने। राजू बेटा, राजू, क्या राजू कहीं गया है? हाँ, खाने पीने का कोई बंदोबस्त करने चला गया है, आता ही होगा। प्रतिमा, प्रतिमा, उठ बेटी, देख सुबह हो गई, उठ उठ बेटी, उठ। इसका कोई बंदोबस्त करने चला गया है, आता ही होगा। प्रतिमा, प्रतिमा, उठ बेटी, देख सुबह हो गई, उठ उठ बेटी, उठ। कौन राजू बेटा, है ही नहीं? राजू तुम ही, कोई और लड़की है। मैं राय साहब की नौकरानी हूँ, आज उनकी पत्नी की मरण तिथि है, ये पुण्यदान उनकी तरफ से है। मगर देवी जी, हम तो कोई भिखारी नहीं। क्षमा करना, भूल हो गई, तिथि है, ये पुण्यदान उनकी तरफ से है। मगर देवी जी, हम तो कोई भिखारी नहीं। क्षमा करना, भूल हो गई, ये तुम्हारे, ये मेरे माता पिता रात काटने के लिए मंदिर में आश्रय ले लिया था। लेकिन तुम्हारा तो इस शहर में अपना मकान था ना? ये तुम्हारे, ये मेरे माता पिता रात काटने के लिए मंदिर में आश्रय ले लिया था। लेकिन तुम्हारा तो इस शहर में अपना मकान था ना? कल तक था, लेकिन आज से मेरे बड़े भाई और भाभी का हो गया। समझी, बड़े भाई ने घर से निकाल दिया होगा, निर्दय को बूढ़े माँ बाप पर दया थी ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा रहने सहने का बंदोबस्त कर दूंगी। हमारे पड़ोस में बहुत से मिल मजदूरों के घर है, मेरी उनसे बहुत बनती है, कोई इनकार न करेगा। लेकिन एक गरीब का दूसरे गरीब पर बोझ क्यों डाला जाए? गरीब को बोझ उठाने की आदत होती है। चलो, इस तरह बूढ़े माँ बाप को लेकर यहाँ कब तक पड़े रहोगे? लेकिन बहन, तुम्हें कुछ तकलीफ तो ना होगी? किसी का, चलो, इस तरह बूढ़े माँ बाप को लेकर यहाँ कब तक पड़े रहोगे? लेकिन बहन,
तुम्हें कुछ तकलीफ तो ना होगी। किसी का भला करने में खुशी होती है या तकलीफ। चलो तुम अपना असबाब बांध लो, मैं इसी में बाकी मिठाई बांटे देती हूँ। भगवान काश तेरी दुनिया में सभी गरीब होते। भगवान काश तेरी दुनिया में सभी गरीब होते। अरे ये वक्त की कविता। अरे बरखा, अरे बरखा, मिठाई बांटने में आधा दिन लगा दिया तूने, बड़ी काम से हो गई है। मुझे क्या पता था कि मिठाई बांटने जाऊंगी और वहाँ वो मिल जाएगा। हाँ कौन मिला तुझे? वही जिसको कल आपने मोटर में घर पहुंचाया था। अच्छा वो, लेकिन मंदिर में क्या कर रहा था? राम का नाम ले रहा था। और क्या कर रहा था?
बेचारे को बड़े भाई ने माँ बाप और लंगड़ी बहन के साथ घर से बाहर निकाल दिया। उससे भले आदमी का कोई दुश्मन हो सकता है, लेकिन बरखा तो अपने साथ क्यों नहीं गई? तो माँ बाप और लंगड़ी बहन के साथ घर से बाहर निकाल दिया। उससे भले आदमी का कोई दुश्मन हो सकता है, लेकिन बरखा तो अपने साथ क्यों नहीं गई? तो क्या वहीं छोड़ के आई हो? अच्छा, तो साथ ले आई हो? बताओ कहाँ है? मिल मजदूरों के क्वार्टर में। मैंने आपके घर आने के लिए कहा तो कहने लगा कि मैं अमीर जादी के घर नहीं जाता। मैंने कहा मैं तो गरीब जादी हूँ, मेरे साथ चल। ओहो, बड़ी मुश्किल से माना। मैं उसे रामू मजदूर के साथ वाले कमरे में छोड़ के आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया बरखा, मैं डैडी से कहकर उसे नींद में नौकरी भी दिलवा दी। ना 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 ना, ऐसा दिल न करना बेबी जी, वो तो अमीरों के नाम से चल जाता है। नौकरी दिलवा देना, लेकिन ये ना बताना कि आपने दिलवाई है, मेरा नाम लगा देना, बस मान जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बरखा, एहसान वही होता है जो जताए बगैर किया जाए। लेकिन बरखा आज शाम को तुम मुझे उस कॉटन में ले चलेगी? कहो तो और ले चलो बेबी जी। बरखा एहसान वही होता है जो जताए बगैर किया जाए। लेकिन बरखा आज शाम को तुम मुझे उस कॉटन में ले चलेगी? कहो तो और ले चलो बेबी जी। चल हाँ, रसोई का काम कर दे। पंडित मेघनाथ जी सुबह से 100 बार पूछ चुके हैं। हाँ, पंडित का धंधा ही क्या है? सामने रहूं तो झगड़ा और दूर रहूं तो प्यार। ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं। कर्ज है सहना माँ बाप की खातिर कर्ज तो है एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी कचरी कोई दान नहीं। ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की। पाप की, ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की। मैं खुद ही खा लूंगी, पहले तू खाना। अरे पंडित, तू खा, मैं खा लूंगा बाद में। कौन है? अरे भाई अंदर आ जाओ। आप जी देखिए, आपके लायक कोई जगह तो नहीं, लेकिन मैं कहां बैठूंगा आपको कुछ नहीं। इतनी घबराने की क्या बात है, मैं यहीं बैठ जाऊंगी। आप और यहाँ इसमें हर चीज क्या है? आप बैठे हो ना जी। कहिए कैसे तकलीफ की आपने? तकलीफ कैसी? अब तो आप हमारे पड़ोसी हैं, सोचा आपकी खैरियत पूछा। जी खैरियत तो जो है वो सब नजर आ रही है, शायद बरखा ने आपको हमारा पता बता दिया। मैंने कैसी? अब तो आप हमारे पड़ोसी हैं, सोचा आपकी खैरियत पूछा। जी खैरियत तो जो है वो सब नजर आ रही है, शायद बरखा ने आपको हमारा पता बता दिया। मैंने कमबख्त से कहा भी था कि ये मुसीबत के दिन चोरी छुपी गुजारने थे, लेकिन फिर भी उसने पता बता ही दिया आपको। बरखा ने अगर पता बता दिया तो क्या हुआ?
वो तो आपकी हमदर्द है। जी हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना कम वक्त से कहा भी था कि ये मुसीबत के दिन चोरी छुपी गुजारने थे, लेकिन फिर भी उसने पता बता ही दिया आपको। बरखा ने अगर पता बता दिया तो क्या हुआ, वो तो आपकी हमदर्द है। जी हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना मुसीबत में ज्यादा हमदर्दी कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। उसने हमदर्दी से आपको हमारा पता बता दिया, आप हमदर्दी से हमारा हाल पूछने चले हैं। अब मैं इस परेशानी में हूँ कि आपको बिठाऊं कहाँ, आपको खिलाऊं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रही। ऐसे कोई तकलीफ की जरूरत नहीं, मैं तो यही आप लोगों का हाल चाल पूछने के लिए आई थी। बहुत शुक्रिया आपका राजू बेटा। हाँ आपको खिलाऊं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रही। ऐसे कोई तकलीफ की जरूरत नहीं, मैं तो यही आप लोगों का हाल चाल पूछने के लिए आई थी। बहुत शुक्रिया आपका राजू बेटा। हाँ ये रानी कौन है? मैं इनके बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ किसी बड़े बाप की बेटी है। बड़ा नाम तो भगवान का होता है। मैं जनता मिल के मालिक राय बहादुर बद्रीनाथ की लड़की हूँ। राय बहादुर बद्रीनाथ की लड़की? बड़ा नाम तो भगवान का होता है। मैं जनता मिल के मालिक राय बहादुर बद्रीनाथ की लड़की हूँ। राय बहादुर बद्रीनाथ की लड़की? फिर तो बेटी तो मेरे सोहन को जरूर जानती होगी, वो जनता मिल में तो काम करता है। सोहन लाल, वो तो हमारी मिल के मैन के है, आपके कौन होते हैं वो? सोहन मेरा बड़ा लड़का है बेटी। ये क्या कहा आपने? जो आदमी एक मिल का मैनेजर हो उसके माँ बाप का ये हाल? मैं पिताजी से कहकर जरूर सोहन जी को सीधे रास्ते पर ले आऊंगी। देखिए आप मेरे भाई के बारे में कोई बात मत पूछिएगा। वो क्यों? मैं पिताजी से कहकर जरूर सोहन जी को सीधे रास्ते पर ले आऊंगी। देखिए आप मेरे भाई के बारे में कोई बात मत पूछिएगा। वो क्यों? जी इसलिए कि अपने भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और दूसरे मैं नहीं चाहता कि राय साहब को इस बात का पता चले। इससे एक तो मेरे भाई की इज्जत राय साहब की नजरों में गिर जाएगी, और जी इसलिए कि अपने भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और दूसरे मैं नहीं चाहता कि राय साहब को इस बात का पता चले। इससे एक तो मेरे भाई की इज्जत राय साहब की नजरों में गिर जाएगी, और दूसरे अपने भाई को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मैं किसी बेगानी का एहसान नहीं उठाना चाहता। आपकी जिद तो दुनिया से निराली है। जी जिद ही सही, मगर अपनी तो है। आप इतना वादा कीजिए कि इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। अगर आपकी इसी में खुशी है तो मैं खामोश रहूंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। जीते रहो बेटी। नमस्ते। कितना अच्छा स्वभाव पाया है। ए भैया, इतने बड़े आदमी की लड़की से तुम इस तरह करके क्यों बात करते थे? अरे पगली, हमारे पास धन दौलत नहीं तो क्या कर भी छोड़ दे। चल खाना खा ले। राजू भैया मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बरखा आओ, तुम्हें भी अंदर आने के लिए इजाजत चाहिए। बरखा कैसे हो सर? तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर लाई हूँ। क्या मजाक करती है? अरे बहन हमें कौन भेजेगा मनी ऑर्डर? अरे भैया नौकरी की चिट्ठी। बरखा कैसे हो सर? तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर लाई हूँ। क्या मजाक करती है? अरे बहन हमें कौन भेजेगा मनी ऑर्डर? अरे भैया नौकरी की चिट्ठी है, हर महीने की पहली तारीख को यही मनी ऑर्डर बन जाया करेगी, पढ़ो तो सही पता चल जाएगा तुम। अरे ये तो जनता मिल का अपॉइंटमेंट लेटर है। समझा, सरिता देवी ने अपने पिताजी से जरूर मेरी सिफारिश की होगी। क्यों जी, वो क्यों करने लगे? क्या हम दस का राय बहादुर से सिवा नहीं करते? ये तो जनता मिल का अपॉइंटमेंट लेटर है। समझा, सरिता देवी ने अपने पिताजी से जरूर मेरी सिफारिश की होगी। क्यों जी, वो क्यों करने लगे? क्या हम दस का राय बहादुर से सिवा नहीं करते? तो तुमने की थी सिफारिश? क्या कहा था? कह दिया था मेरे मैके से मेरे सतेरा भाई आया है, हाथ पांव का मजबूत है। क्यों मालिक सरिता बहन को ना कह सकते है? मुझे नहीं कह सकते? काफी रोग जमा रखा है तुमने अपने मालिक। तो क्या पूछे, नौकर हराम खोर न हो तो मालिक भी उससे डरता है। ठीक कहती हूँ मैं। अच्छा भैया मैं जाऊँ, आज के काम पे चले जाना। अच्छा। अरे मैं तो भूल ही गई, लाई तुम्हारे लिए और ऐसे वापस ले जा रही थी। क्या है बका? थोड़े कपड़े हैं ले लो। मैं जाऊँ, आज के काम पे चले जाना। अच्छा। अरे मैं तो भूल ही गई, लाई तुम्हारे लिए और ऐसे वापस ले जा रही थी। क्या है बका? थोड़े कपड़े हैं ले लो। ना बका, तुमने मुझे नौकरी दिला दी बस काफी। फिक्र क्या करते हो भैया, आज से तुम्हारी पगार चालू हो जाएगी, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे दिया करना। अच्छे कपड़े पहन। ना बरखा, तुमने मुझे नौकरी दिला दी बस काफी। फिक्र क्या करते हो भैया, आज से तुम्हारी पगार चालू हो जाएगी,
हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे दिया करना। अच्छे कपड़े पहन के जाना, अपने लिए अच्छा है ना। मेरा नमस्ते। नमस्ते माँ जी। नमस्ते राजू बेटा, मैं देख तो नहीं सकता मगर जब मेरी आंखें थी तो मैंने लक्ष्मी माता की मूरत देखी थी। बरखा किस राजू बेटा, मैं देख तो नहीं सकता मगर जब मेरी आंखें थी तो मैंने लक्ष्मी माता की मूरत देखी थी। बरखा की सूरत जरूर बैठी हुई। पिताजी, गरीब गरीब का दुख ना बांटे तो फिर कौन बांटे। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस मिल में तुम एक मामूली ओहदे पर नौकरी करोगे जहाँ तुम्हारा बड़ा भाई मैनेजर है। क्या ये अच्छा लगेगा? तो क्या हुआ माँ, भाई की इज्जत के लिए हम क्या भूखे मर जाएं? कोई हर्ज नहीं बेटा, जब फूल और कांटे एक डाली पर नहीं उठते। अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत का ख्याल है तो अपने साथियों से न बताना कि तुम सोहन के भाई हो। और किसी को पता चल भी नहीं बेटा, जब फूल और कांटे एक डाली पर नहीं उठते। अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत का ख्याल है तो अपने साथियों से न बताना कि तुम सोहन के भाई हो। और किसी को पता चल भी जाए तो क्या हुआ? मजदूरी करके पेट पालना कोई पाप नहीं। शर्म आनी चाहिए सोहन भैया को, मुझे किस बात की शर्म। लेकिन बेटा। हाँ हाँ भैया, ठीक है, तुम रोज सुबह नौकरी पे जाया करो, मैं माता पिता का ख्याल रखूंगी। और जब तुम शाम में लौट कर आओगे ना भैया, तो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना के दूंगी। लेकिन देखो भैया, मैं माता पिता का ख्याल रखूंगी। और जब तुम शाम में लौट कर आओगे ना भैया, तो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना के दूंगी। लेकिन देखो भैया, पहली तनख्वाह मिलते ही मेरे चुनरी जरूर लाना। अरे जरूर ला के दूंगा रानू, जरूर ला के। और अगर नहीं लाए तो? पहले कोई कौन सी बात नहीं पूरी की मैंने। पहली तनख्वाह मिलते ही मेरे चुनरी जरूर लाना। अरे जरूर ला के दूंगा रानू, जरूर ला के। और अगर नहीं लाए तो? पहले कोई कौन सी बात नहीं पूरी की मैंने। ठहरो, किधर जाता है? मुझे मैनेजर से मिलना है, नौकरी के लिए आया। अरे भाई क्यों अपना वक्त खराब करते हो, यहाँ तो मैनेजर नौकरी से निकालता है, लगता नहीं। लेकिन मेरे पास राय साहब की चिट्ठी है। चिट्ठी है तो जाओ अंदर, मेरी शक्ल क्या देखते हो, जाओ जाओ। तुम यहाँ क्या? तो जाओ अंदर, मेरी शक्ल क्या देखते हो, जाओ जाओ। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बस एक छोटी सी नौकरी के लिए आया हूँ। यहाँ कोई जगह खाली नहीं। भैया ये चिट्ठी पढ़ लो, मेरे ख्याल में जगह अपने आप खाली हो जाएगी। राय बहादुर साहब का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आए हो? भैया आपकी नौकरी मिल जाएगी ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस मिल में तुम्हारा भाई मैनेजर, उसी मिल में तुम मजदूर की नौकरी करना चाहते हो? भैया एक काम करो, कोशिश करके मुझे यहाँ मैनेजर की नौकरी दिला दो। जानता हूँ राजू, खूब अच्छी तरह जानता हूँ तुम मेरी पगड़ी उछालने के लिए ये हरकत कर रहे हो, ताकि लोगों को जब ये मालूम हो कि तुम मेरे भाई हो तो वो मुझ पर हंसे। मैनेजर की नौकरी दिला दो। जानता हूँ राजू, खूब अच्छी तरह जानता हूँ तुम मेरी पगड़ी उछालने के लिए ये हरकत कर रहे हो, ताकि लोगों को जब ये मालूम हो कि तुम मेरे भाई हो तो वो मुझ पर हंसे। अरे भैया कितना खुश नसीब है वो आदमी जिसकी लोग शक्ल देखें और हंसे। लेकिन याद रखो, मैं यहाँ नौकरी करके अपना और अपने माँ बाप का पेट पालने आया हूँ। आपकी अरे भैया कितना खुश नसीब है वो आदमी जिसकी लोग शक्ल देखें और हंसे। लेकिन याद रखो, मैं यहाँ नौकरी करके अपना और अपने माँ बाप का पेट पालने आया हूँ। आपकी हंसी उड़ाने नहीं आया। तो वादा करो कि तुम किसी से फिक्र नहीं करोगे कि तुम मेरे छोटे भाई। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा, और अगर मजबूरन बताना ही पड़ा तो ये कहूंगा कि हम दोनों भाई नहीं एक ही बाप के दो बेटे हैं। अब सुनो, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, तुम अपने शायरी के बारूद को इस मिल से बाहर नहीं रखना। अरे भैया जी अभी तो पेट की आग बुझाने की फिक्र में हूँ, पर आग लगाने की बारी आएगी तो सोच लूंगा। अरे भैया जी अभी तो पेट की आग बुझाने की फिक्र में हूँ, पर आग लगाने की बारी आएगी तो सोच लूंगा। लेकिन माँ ये अंगूठी हम गरीबों के क्वार्टर में आई करते। भगवान जाने
वो शायद माँ अपने घर में बड़े बाप की बेटी आई थी ना। हाँ मेरे ख्याल में उसकी है। हाँ ये हो सकता है। लेकिन भैया कोई जरूरी तो नहीं थी अंगूठी उसी की। हो सकता है बड़े बाप की बेटी आई थी ना। हाँ मेरे ख्याल में उसकी है। हाँ ये हो सकता है। लेकिन भैया कोई जरूरी तो नहीं थी अंगूठी उसी की। हो सकता है भगवान ने हमारी हालत पर कर्ज खाकर ये अंगूठी हमारे घर भेज दी। बकरी एक बात बोलूं? ना भगवान है ना। भगवान ने हमारी हालत पर कर्ज खाकर ये अंगूठी हमारे घर भेज दी। बकरी एक बात बोलूं? ना भगवान है ना। भगवान वो ऐसी अंगूठी भेजा नहीं करता बल्कि ऐसी अंगूठी कमाने के लिए आदमी को हाथ पांव लेता है। हाथ पांव मैं ये लौटा के आता हूँ। अरे भैया वो तुम्हारे बिगड़ चक्कर की चाय है ना वो चाहिए तो पिला दे जल्दी। ला ला माँ ला तब तक मैं चावल साफ कर। अरे तू क्या चावल साफ करेगा बेटा। देख तो सही फर्स्ट क्लास अभी की रहता पंडित आए। ये कहाँ की तैयारी है? देख पंडित ये रोज की खिचड़ी अच्छी नहीं तो मेरा हिसाब था मैं अपने मेके से ली। अरे अरे कैसा हिसाब? मैंने तेरे बाप का कुछ देना है क्या? तू क्या समझ? देख पंडित ये रोज की खिचड़ी अच्छी नहीं तो मेरा हिसाब था मैं अपने मेके से ली। अरे अरे कैसा हिसाब? मैंने तेरे बाप का कुछ देना है क्या? तू क्या शादी के वक्त दहेज नहीं लाया था क्या? अरे वाह तूने अपने बाप को राजा भोज सर रखा है क्या? ससुरे के पास बारात को खिलाने के लिए तो पैसा नहीं था। अरे वो दहेज किधर से देता? देख देख पंडित मेरे बाप का नाम मत ले। मेरा बाप गरीब था लेकिन इज्जत आबरू वाला आदमी था। अरे तो चले जाना उस इज्जत आबरू वाले के पास। यहाँ क्या रखा है? जा रही हूँ जा रही हूँ आज मैं सचमुच जा रही हूँ समझे? जा रही हूँ। बाबू अंदर कहाँ जा रहे हो? सरिता देवी से मिलना है। क्या काम है उनसे? तुम्हें नहीं बता सकता तो फिर अंदर भी नहीं जा सकते। अगर तो ऐसे रहे हो जैसे सरिता देवी से लगन करने आए हो। अगर ऐसा ही रहता हूँ तुम्हें नहीं बता सकता तो फिर अंदर भी नहीं जा सकते। अगर तो ऐसे रहे हो जैसे सरिता देवी से लगन करने आए हो। अगर ऐसा ही रहता हूँ तू अरे जाओ जाओ बाबू। ये मुंह और चने की दाल। अरे चने की दाल नहीं मसूर की दाल। अरे बाबू चने की दाल महंगी होती है। चने की दाल घोड़े खाते हैं। मालूम होगा। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए ना अंदर। लेकिन बरखा ये श्रीमान जानेंगे तब ना। क्यों रो पंडित इन्हें क्यों रोकता है? चलिए मैं आपको ले जाती हूँ। अरे अरे क्या करती है जोर अनर्थ। अपने पति के जीते जी प्राय पुरुष का हाथ पकड़ती है। एक बार ही सौ बार पकड़ूंगी। अरे सौ बार क्या तू हजार बार पकड़। अगर आप पकड़ के आओगे मैं गरीब अंदर चला गया। अच्छा बाबू चला जा मैं तुझे बाद में समझूंगा पहले इससे समझ लू। अरे ओ मूर्खा तुझे खबर है शास्त्र में लिखा है जो ब्याहता है इससे क्या लोगे? मैं गरीब अंदर चला गया। अच्छा बाबू चला जा मैं तुझे बाद में समझूंगा पहले इससे समझ लू। अरे ओ मूर्खा तुझे खबर है शास्त्र में लिखा है जो ब्याहता स्त्री पराय पुरुष का हाथ पकड़े वो नर्क की अधिकारण होती है। और शास्त्र में ये भी लिखा है कि जो पति ब्याह के बाद पत्नी पर जुल्म करता है न वो नर्क का अधिकारी रहता है न स्वर्ग का बल्कि मरने के बाद भूत प्रेत बनकर हवा में लटकता है। पंडित अगर मैं भूत बनूंगा तो तू भी चुड़ैल बनकर हवा में उड़ती फिरेगी। अच्छा अब ये बता कि ये था कौन? वरना मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। वो तो मेरा धर्म का भाई था। धर्म का भाई यानी मेरे धर्म के तो तू भी चुड़ैल बनकर हवा में उड़ती फिरेगी। अच्छा अब ये बता कि ये था कौन? वरना मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। वो तो मेरा धर्म का भाई था। धर्म का भाई यानी मेरे धर्म के साले भाई तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अरे मैं उसकी सेवा करता खातिर करता लड्डू पेड़ा दूध मलाई बर्फी जलेबी खिलाता है। चलो अब मुझसे कुछ खाने भाई तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अरे मैं उसकी सेवा करता खातिर करता लड्डू पेड़ा दूध मलाई बर्फी जलेबी खिलाता है। चलो अब मुझसे कुछ थूक दो। देख पंडितायन ये घर गृहस्थी तो चक्की के समान होती है, है? और चक्की के दो पत्थर होते हैं। अगर एक पत्थर अपनी जगह से हट जाए तो बताओ फिर चक्की कैसे चले? ठीक है ना? अब मुझसे को छोड़ दो। हाँ मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं अपने कान पकड़ नहीं मैं अपने कान पकड़ता हूँ और माफी मांगता हूँ। ये तुम बोझा क्यों उठा के बैठी हो? आप तांबे की अंगूठी समझते हैं? सोना कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं सका। ये चमकने वाली चीज जिसे आप पत्थर कह रहे हैं पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। हीरा भी तो पत्थर ही होता है मेरे साथ।
शायद आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि इसकी कीमत 10,000 रुपए है। जरूर बल्कि हीरा है। हीरा भी तो पत्थर ही होता है मेरे साथ। शायद आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि इसकी कीमत 10,000 रुपए है। जरूर लेकिन मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो वो सिर्फ कंकर होती है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो वो सिर्फ कंकर होती है। अच्छा हुआ ये अंगूठी आपके हाथ लग गई वरना नुकसान होकर ही रहता। अरे बरखा चाय लेने के लिए कितने कहा था? अगर आपने नहीं कहा तो इसका मतलब ये तो नहीं तो पहली बार घर आए मेहमान का स्वागत मैं भी न करूं। अच्छा आई है हमारे घर कितने कहा था? अगर आपने नहीं कहा तो इसका मतलब ये तो नहीं तो पहली बार घर आए मेहमान का स्वागत मैं भी न करूं। अच्छा आई है हमारे घर से एक पहली चाय तो पी के जाइए। जी मैं चाय नहीं पीता। सरिता देवी मैंने अपनी छोटी बहन को वचन दे रखा है कि जब तक उसके लिए एक अच्छी चुनरी नहीं खरीद लाऊंगा। सरिता देवी मैंने अपनी छोटी बहन को वचन दे रखा है कि जब तक उसके लिए एक अच्छी चुनरी नहीं खरीद लाऊंगा दुनिया की कोई मीठी चीज मुंह नहीं लगाऊंगा। आप कीजिए ना। मैं तो सिर्फ एक बार सुबह को आपको आती थी। ले जाओ बरखा ले जाते हैं। मेहनत भी की और फल भी न मिला। अब चलो बस इतनी जल्दी ये काफी देर हो गई फिर कर। इतनी जल्दी ये काफी देर हो गई फिर कर। फिर कब आइएगा? फिर कभी कोई गिरी हुई चीज घर में मिल गई तो आ जाऊंगा। आप तो मजाक करते हैं। फिर कब आइएगा? फिर कभी कोई गिरी हुई चीज घर में मिल गई तो आ जाऊंगा। आप तो मजाक करते हैं। देखिए जब अगली बार आइएगा ना अपनी छोटी बहन को जरूर साथ लेते आना। जी हो सका तो जरूर ले आऊंगा। देखिए जब अगली बार आइएगा ना अपनी छोटी बहन को जरूर साथ लेते आना। जी हो सका तो जरूर ले आऊंगा। माफ कीजिएगा ये गाना आपने कहाँ से सीखा? ये गाना नहीं ये तो मेरे मनपसंद कवि सेवक की कविता है। तो सेवक हाजिर है। सेवक? क्या मतलब? जी मतलब ये कि सेवक के नाम से सेवक ही लिखता है। आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? सरिता जी क्या मैं शक्ल सूरत से शायर नहीं लिखता? मेरे ख्याल में तो एक शायर में जितनी भी खूबियां होनी चाहिए वो सब मुझ में मौजूद है। वही मुरझाई हुई सूरत बिखरे हुए बाल आंखों में मौत का इंतजार और देखिए ये मेरी कविता का पलंदा भी मेरे पास मौजूद है। नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ही मौत का इंतजार और देखिए ये मेरी कविता का पलंदा भी मेरे पास मौजूद है। नहीं नहीं मेरा ये मतलब
मकसद नहीं था, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ही सोच निकले। अगर कोई नई कविता लिखी तो कहिए ना। ये ऐसी कोई खास चीज नहीं, लेकिन कभी कभी टूटे फूटे लफ्जों में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। तो वही समझ, अगर कोई नई कविता लिखी तो कहिए ना। ये ऐसी कोई खास चीज नहीं, लेकिन कभी कभी टूटे फूटे लफ्जों में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। तो वही सुनाइए ना। ठीक सुनिए, शायद आपको पसंद आ जाए। इस दिन इस दुनिया से नफरत और खुद गर्दी मिट जाएगी, मैं इस दुनिया से नफरत और खुद गर्दी मिट जाएगी, जिस दिन इस दुनिया से नफरत और खुद गर्दी मिट जाए, जिस दिन इस दुनिया से नफरत और खुद गर्दी मिट जाएगी, उस रोज ये इंसान नाचेगा, उस रोज ये धरती गाएगी, उसे भी उस रोज ये इंसान नाचेगा, उस रोज ये धरती गाएगी, उस रोज ये धरती गाएगी। इस टुकड़े पर हक मेरा है, उस चप्पे पर हक तेरा है, इस टुकड़े पर हक मेरा है, उस चप्पे पर हक तेरा है, इस वहम में जब तक है दुनिया, समझो के दूर सवेरा है, जब दुख सुख सब मिल बांटेंगे और उल्फत साज बजाएगी, उस रोज ये इंसान नाचेगा, नाचेंगे और उल्फत साज बजाएगी, उस रोज ये इंसान नाचेगा, उस रोज ये धरती गाएगी, उस रोज ये धरती गाएगी। इंसान के दिल में जब तक भी ताकत का नशा और लालच है, इंसान के दिल में जब तक भी ताकत का नशा और लालच है, ये दुनिया जहन्नुम ही होगी, ये आज भी सच कल भी सच है, जब अपनी अपनी मेहनत ही सबकी दौलत कहलाएगी, उस रोज ये इंसान नाचेगा, उस रोज ये धरती गाएगी, उस रोज ये धरती गाएगी। का उजाला सबका है, चंदा की चंदनिया सबकी है, सूरज का उजाला
दुनिया की चंदनिया सबकी है, इंसान अभी पैदा न हुआ था, रीत ये कायम जब की है। जब दुई के बादल बिखरेंगे और प्रीत किरण मुस्काए, जब दुई के बादल बिखरेंगे और प्रीत किरण मुस्काएगी, उस रोज इंसान आएगा, उस रोज धरती जाएगी, उस रोज धरती जाएगी, जिस दिन इस दुनिया से नफरत और खुद गर्दी मिट जाएगी, उस रोज इंसान आएगा, उस रोज धरती जाएगी, उस रोज धरती जाएगी। बहुत ही सुंदर आपके हाथ में, उस रोज धरती जाएगी। बहुत ही सुंदर आपके हर कविता में सोशलिज्म का संदेश होता है। जी सोशलिज्म वगैरह तो मैं कुछ जानता नहीं, जो महसूस करता हूँ वो कह देता हूँ। अच्छा फिर मुलाकात होगी। लेकिन अपनी छोटी बहन को साथ लाना ना भूलिएगा। अरे राजू तू यहाँ, तुम्हारे साथ क्या काम? भैया काम तो किसी वक्त नहीं पड़ सकता है। राय बहादुर साहब तुमने आए? जी नहीं, उनकी बेटी है सरिता से। कमाल, कितने सालों से मैं राय बहादुर साहब की मिल का मैनेजर, सरिता से बात करने का मेरा तो कभी हौसला नहीं पड़ा। उनकी बेटी है सरिता से। कमाल, कितने सालों से मैं राय बहादुर साहब की मिल का मैनेजर, सरिता से बात करने का मेरा तो कभी हौसला नहीं पड़ा। भैया ये तो अपने अपने हौसले की बात है। मेरा मतलब है राजू कि बड़े आदमियों को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। अरे भैया दूर नजदीक की तो बात छोड़ो, मैं प्रणाम करना ही छोड़ दूंगा, अब तो खुश हो ना। अच्छा जाओ काम करो। सरजू दाल में जरूर कुछ काला है, राजू को राय बहादुर के घर देखकर मेरा तो रंग पीला हो गया। अरे बड़ा तूफानी लड़का है, अपनी औकात और राय बहादुर का घराना तो देखे। समझ में नहीं आता कि सरिता ने आखिर एक भिखमंगे को कैसे मुंह लगा लिया। छोड़िए आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, ना जात बात। लेकिन आपने राय बहादुर से मेरे भैया के बारे में बात तो की होगी? भैया आजकल में ही वलायत से आने वाले हैं, बस आते ही शादी की बात पकी। आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, ना जात बात। लेकिन आपने राय बहादुर से मेरे भैया के बारे में बात तो की होगी? भैया आजकल में ही वलायत से आने वाले हैं, बस आते ही शादी की बात पकी कर दीजिए। क्या तुम्हें और पैसे दिया? वो तो ठीक है, लेकिन राय बहादुर लड़के को अच्छी तरह देखे बगैर बात पकी नहीं करेंगे। अच्छी शौक से देखिए मेरे भाई को, खरा सोना है, वलायत से बैरिस्ट्री पास करके आ रहा है, और शक्ल सूरत में भी किसी से कम नहीं। रहा दौलत का सवाल, तो राय बहादुर के अपने घर में दौलत की कौन सी कमी है जो जमाई की दौलत देखेंगे। जमाई की दौलत देखेंगे। अच्छा पढ़ी लिखी कितनी है? बी ए पास। बी ए
वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। अरे मगर सुनो तो, जानते हो वो लड़की राय बहादुर बद्रीनाथ की अकलौती बेटी है, और राय बहादुर बद्रीनाथ कम नहीं तो 50 लाख का आदमी है। 50 लाख? ओनली। सुनो तो, जानते हो वो लड़की राय बहादुर बद्रीनाथ की अकलौती बेटी है, और राय बहादुर बद्रीनाथ कम नहीं तो 50 लाख का आदमी है। 50 लाख? ओनली 50 लाख बस। अरे साहब, हमारे लंदन में ये 20-25 लाख वाले तो फुटपाथ पर अखबार बेचते हैं, अखबार। मगर सर, अगर आप लोग फोर्स करते हैं, आप लोग इंसिस्ट करते हैं, आप लोग जोर देते हैं, तो मैं शादी करने पर राजी हूँ। मगर एक बात, शादी से पहले एक चीज का फैसला हो जाना चाहिए। क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो कि राय बहादुर की मौत के बाद जायदाद की वारिस क्या वो लड़की होगी? अरे अभी तो उन्होंने कहा है कि राय बहादुर की इकलौती बेटी है। इकलौती मींस ओनली चाइल्ड? हाँ, इट्स वंडरफुल। आई एम रेडी, मैं शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ, वरना प्रेम ना कार इतला अपनी डिग्री कभी इंसल्ट नहीं कराएगा। वेरी गुड, इतना बड़ा यानी हाइट ऑफ फादर एंड ब्रेन ऑफ द मदर। मेरी भी लंदन से कल है मामा। कुछ लाया बेटे, कम ऑन सिट डाउन। जल्दी बोलो मामा, मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए बहुत सामान लाया हूँ बेटा, मगर दरअसल बात यह है कि मैं जल्दी में आ गया हवाई जहाज से, और तुम्हारा सामान बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी के जहाज से आ रहा है। तुम खाली हाथ आए मामा? अरे नहीं बेटा, खाली हाथ साहब। अजी मिस्टर साहब, अजी मेरा तो चुपचाप कर दीजिए, ज्यादा है इसलिए पानी के जहाज से आ रहा है। तुम खाली हाथ आए मामा? अरे नहीं बेटा, खाली हाथ साहब। अजी मिस्टर साहब, अजी मेरा तो चुपचाप कर दीजिए, अजी मुसीबत है कोई सुनता ही नहीं। क्या बात है, बैठो ना। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। अजी मुसीबत है कोई सुनता ही नहीं। क्या बात है, बैठो ना। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है भाई साहब। दरअसल है क्या कि वो टैक्सी वाला बाहर खड़ा है, और है क्या कि मेरे पास है इंग्लिश, मैंने उसको 1 पाउंड दिया, यानी 1 पाउंड और 13 रुपीज इंग्लिश पाउंड। बेवकूफ कहता है कि ये उल्टे सीधे कागज यहाँ नहीं चलेंगे, लुक एट द इडियट। भाई साहब ये गलत बात है, पैसा आप मुझे दीजिए, मैं दे के आता हूँ। नहीं प्रेम, तुम बैठो, मैं दे आता हूँ। बेवकूफ कहता है कि ये उल्टे सीधे कागज यहाँ नहीं चलेंगे, लुक एट द इडियट। भाई साहब ये गलत बात है, पैसा आप मुझे दीजिए, मैं दे के आता हूँ। नहीं प्रेम, तुम बैठो, मैं दे आता हूँ। नाश्ता पानी करो। नाश्ता पानी तो हो जाएगा बहन, मैं एक चक्कर में पड़ रहा हूँ कि मेरे पास है इंग्लिश नोट, इंडियन नोट का क्या? हेलो मिस्टर सोहनलाल, हेलो, इट्स गुड टू सी यू। भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एक बात तो बताओ कि आखिर वो जो वो राय बहादुर साहब है उनका क्या हुआ? उन्हीं के यहाँ से तो आ रहा हूँ भैया, उन्होंने मुलाकात का कल टाइम दिया है। कल यानी टुमारो? वाई नॉट टुडे, आज क्यों नहीं? माय डियर ब्रदर, आपको चाहिए कि आप उन्हें ये समझाएं कि लड़की पराया धन होती है, अनदर पर्सन प्रॉपर्टी। जितनी जल्दी ये कर्जा अदा हो जाए, सर से बोझ हल्का हो जाता है। भैया बहुत उतावले हो रहे हो क्या? नो माय डियर सिस्टर, नो, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, न कोई फिक्र है। अगर फिक्र है हो जाए, सर से बोझ हल्का हो जाता है। भैया बहुत उतावले हो रहे हो क्या? नो माय डियर सिस्टर, नो, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, न कोई फिक्र है। अगर फिक्र है तो इंग्लैंड जाने, आप जानती नहीं है कि वहां मेरे बगैर बहुत से कोर्ट बंद है। तो कल राय बहादुर साहब यहाँ तो जा ही रहे, उनकी तसल्ली हो जाए तो फिर शादी में क्या देर है? जाने राय बहादुर तो इंग्लैंड जाने, आप जानती नहीं है कि वहां मेरे बगैर बहुत से कोर्ट बंद है। तो कल राय बहादुर साहब यहाँ तो जा ही रहे, उनकी तसल्ली हो जाए तो फिर शादी में क्या देर है? जाने राय बहादुर की तसल्ली में आपको कोई शक नहीं? मेरा मतलब ये था। लुक हियर माय डियर ब्रदर, मिस्टर सोहन लाल, प्रेमनाथ से जो पहली मरतबा मिलता है दीवाना हो जाता है, और दूसरी मरतबा मिलता है तो बस पागल, यानी मैड। दिस इज कॉल्ड मेस्मेरिज्म ऑफ पर्सनालिटी। जानता हूँ भैया, तुम बड़े जादूगर हो, दरोगा हो, और फिर क्यों ना हो, आधी दुनिया का सफर भी तो कर चुके हो। आधी दुनिया? आई बेग योर पार्डन, 3/4 दुनिया। आई एम सॉरी। देखो वो जो तुम्हारे लिए मैं नई साड़ी लाया था ना, कल वो पहनकर चलना। अच्छा याद दिलाया, मैं वही पहनू। ये बड़ी खूबसूरत साड़ी है। बेग योर पार्डन, 3/4 दुनिया। आई एम सॉरी। देखो वो जो तुम्हारे लिए मैं नई साड़ी लाया था ना, कल वो पहनकर चलना। अच्छा याद दिलाया, मैं वही पहनू। ये बड़ी खूबसूरत साड़ी है। आओ प्रतिमा, तुम भी खेलो ना। नहीं शारदा, तुम लोग भी खेलो। मेरी किस्मत में तो दूर से बैठ के ही देखना लिखा है। अरे जाओ जाओ, तुम लोग खेलो, मैं तुम लोगों को देख के बहुत खुश हूँ। जाओ खेलो।
जा। राजू भैया आज आपकी पहली तनख्वाह है, चलिए सिनेमा देखें। रामू भैया मैंने अपनी छोटी बहन से वादा किया था कि जिस दिन मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी ना जी उसके लिए खूबसूरत से चुनरी खरीद कर लाऊंगा। अच्छा आज वो लेने जा रहा हूँ। अच्छा भैया भैया मैंने अपनी छोटी बहन से वादा किया था कि जिस दिन मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी ना जी उसके लिए खूबसूरत से चुनरी खरीद कर लाऊंगा। अच्छा आज वो लेने जा रहा हूँ। अच्छा भैया गिर गई। प्रतिमा वहां से गिर गई। प्रतिमा प्रतिमा क्या हुआ? कहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बच्ची प्रतिमा मर गई। प्रतिमा मर गई। प्रतिमा क्या हुआ? कहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बच्ची प्रतिमा मर गई। प्रतिमा मर गई। क्या बात है? जाएंगे इसे खाने के लिए मार डाला है। राजू, राजू क्या हुआ?
देख बहन, मैं तेरे लिए चुनरी लाया हूँ, वादा किया था ना मैंने, वादा पूरा करने में थोड़ी देर हो गई, तो तू हमेशा के लिए रूठ गई मुझसे। अगली देर हो गई, तो तू हमेशा के लिए रूठ गई मुझसे। अगली बहने तो कितना इंतजार करती हैं भाइयों का, फिर तुझे इतनी जल्दी क्या आती। प्रतिमा, प्रतिमा कौन भैया कहेगी मुझे, किसके लिए चुनरी लाऊंगा, कौन राखी बांधेगी मुझे, कौन टीका लगाएगी मैं। प्रतिमा पतली, इतना तो बता देना था कि जिनकी बहने नहीं होती वो भाई सुंदर कैसे होते हैं, कैसे जीते हैं वो। क्या कर दिया ये सब, अगर मैं जानता मेरी चुनरी तरह कफन बन जाएगी तो तेरी कसम बहन मैं इसे कभी नहीं लाता। तशरीफ रखिए। मिस्टर प्रेमनाथ, तशरीफ। थैंक यू। नहायत खूबसूरत मकान है और इसकी सजावट में एक समझिए कि एक टेस्ट दिखाई देता। क्यों ना हो, जिस घर में लक्ष्मी का निवास हो। नहायत खूबसूरत मकान है और इसकी सजावट में एक समझिए कि एक टेस्ट दिखाई देता। क्यों ना हो, जिस घर में लक्ष्मी का निवास हो वहां किस चीज की कमी हो सकती है। नो 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 भाई साहब नो, हम आपकी इस बात से एग्री नहीं करते। हमने बहुत से करोड़पति ऐसे देखे हैं कि जिन्हें पैजामा बांधने की और पहनने तक की कमी थी। ये तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि दौलत होना और दौलत खर्च करना दोनों अलग अलग आर्ट। देयर यू आर, यू गॉट माय पॉइंट देयर सर। मिस्टर प्रेमनाथ जी, आप इंग्लैंड कब गए। हम इंग्लैंड समझिए कि बस ये समझिए कि बचपना यहाँ गुजरा, जरा जरा सी मूछें आई तो हम यहाँ से हायर स्टडीज के लिए बुलाए चले गए। सालाना एवरेज। और हाँ, हम इससे बहुत ज्यादा कर सकते थे मगर हम में एक बहुत बड़ी बुराई है राय साहब, आई हैव गॉट अ वेरी बैड हैबिट। व्हाट्स दैट, लीव लाइफ चले गए। सालाना एवरेज। और हाँ, हम इससे बहुत ज्यादा कर सकते थे मगर हम में एक बहुत बड़ी बुराई है राय साहब, आई हैव गॉट अ वेरी बैड हैबिट। व्हाट्स दैट, झूठे केस को शराब की तरह से कभी हाथ नहीं लगाया, नेवर टच्ड इट। वेरी फाइन, वेरी फाइन, नाउ लेट अस सिट डाउन। झूठे केस को शराब की तरह से कभी हाथ नहीं लगाया, never touched it. Very fine, very fine. Now let us sit down. देखिए, आपने ठीक कहा, जब ईमानदारी से पेट भर सकता हो तो बेईमानी की क्या जरूरत है। Exactly sir, you got my point. देखिए, मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा कि मुझे आपकी हैसियत जाननी है। दौलत तो इस घर में बेशुमार है। I am sure. अपनी देखिए, मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा कि मुझे आपकी हैसियत जाननी है। दौलत तो इस घर में बेशुमार है। आई एम श्योर। अपनी बेटी सरिता के लिए एक अच्छा सा यानी वेल एजुकेटेड लड़का चाहिए। आपकी दुआ से हम बारह लौट हुए ही और फिर अनकरीब हमारी अंग्रेजी में दो किताबें छपने वाली हैं। अच्छा जी हाँ, वो कौन सी। एक का नाम है वन इज कॉल्ड कॉल्ड अ पाइप विदाउट वाटर, अ पाइप विदाउट वाटर एंड सारी अंग्रेजी में दो किताबें छपने वाली हैं। अच्छा जी हाँ, वो कौन सी। एक का नाम है वन इज कॉल्ड कॉल्ड अ पाइप विदाउट वाटर, अ पाइप विदाउट वाटर एंड द सेकंड वन इज मैरिज इन मून। क्या हो, क्या हो। थैंक यू सर। सोहन लाल जी, ये रिश्ता पक्का ही समझ लीजिए। शुक्रिया राय सर, मैं अपनी बेटी सरिता से इनका परिचय करवा देता हूँ। बेटा सरिता, सरिता, सरिता। जी डैडी। आओ बेटा, इन्हें तो तुम पहचानते ही हो। ये हैं मिसेस सोहला और ये मिस्टर प्रेमनाथ बैरिस्टर।
Oh, Indian style, that is very good. I like it. Namaste. Chalo, beta. Mr. Premnath, आपकी तरह सरिता को भी लिटरेचर का बहुत शौक है. हिंदी में गीत भी लिखती रहती है और गला भी बहुत सुंदर पाया है. ब्यूटीफुल फाउंड ऑफ लिटरेचर, अ गुड सिंगर एंड अ पोएटिस, मार्वेलस इंडीड. और क्यों नहीं साहब, जब आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो आपकी बेटी तो 100% इंटेलिजेंट होगी. बाबू जी भी यही तारीफ करते हैं, बस शौक से ही है. यही तारीफ करता हूँ. सोहनलाल जी, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, चलिए हम लोग चलें और इन बच्चों को आपस में बातचीत करने दें. चलिए सोहनलाल जी, चलिए. सुनिए, मैं भी चलती हूँ, कुंदन का स्कूल से लौटने का वक्त हो गया है. हाँ चलो. नमस्ते. अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं? इतना शर्मा क्यों नहीं है आप? ये तकल्लुफ क्यों? जी तकल्लुफ कैसा, अपना घर है. यही समझकर तो मैं भी यहाँ रुक गया. अच्छा तो अपनी लिखी हुई कोई फटती सी चीज अपनी स्वीट वॉइस में सुना दीजिए. जी मैं तो सिर्फ कॉमेडी गीत लिखती हूँ. कॉमेडी, वंडरफुल. हमारे इंग्लैंड के एक बहुत मशहूर शायर सैंड्रो मंज ने कहा है कि किसी को रोलाना तो बहुत आसान है लेकिन हंसाना इज वेरी डिफिकल्ट. प्लीज कुछ सुनाइए ना. देखिए सिर्फ तू बंद करती हूँ, आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे. अब आप खाकसारी से काम ले रही हैं. प्लीज सिट डिफिकल्ट, प्लीज कुछ सुनाइए ना. देखिए सिर्फ तू बंद करती हूँ, आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे. अब आप खाकसारी से काम ले रही हैं. प्लीज सिट डाउन, प्लीज. कितनी खूबसूरत है, हाय वो कितनी खूबसूरत है. लगे उनकी सूरतियाँ कुछ ऐसी भली, लगे उनकी सूरतियाँ कुछ ऐसी भली जैसे कौवे की चोंच में अनार की खली, जैसे कौवे की चोंच में अनार की खली. हो लगे उनकी सूरतियाँ कुछ ऐसी भली जैसे कौवे की चोंच में अनार की खली. हो लगे उनकी सूरतियाँ कुछ ऐसी भली जैसे कौवे की चोंच में अनार की खली, जैसे कौवे की चोंच में अनार की खली.
सरिता देवी वंडरफुल लुत्फ आ गया। बरसों के बाद आज पर सोल यानी आत्मा को भोजन मिल गया। यकीन जानिए सरिता देवी, मेरा तो पेट भर गया है। तो आप आज लंच नहीं खाएंगे? आप लंच का कह रही हैं? अरे ऐसी चीज सुनने के बाद तो इंसान डिनर भी भूल जाता है, और अगर हमारा बस चले तो हम तो हफ्तों खाना न खाते। थैंक यू। देखिए जैसे साहब, आप मेरी एक सहेली कश्मीर जा रही है, अगर इजाजत हो तो मैं जाके मिलाऊं। श्योर श्योर, और खाना न खाते। थैंक यू। देखिए जैसे साहब, आप मेरी एक सहेली कश्मीर जा रही है, अगर इजाजत हो तो मैं जाके मिलाऊं। श्योर श्योर, और अगर इजाजत हो तो उस वक्त तक मैं जरा पियानो से जी बहला लूं। ओह श्योर श्योर। देखिए डॉक्टर साहब, आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ बरखा और पंडित जी मौजूद हैं। और अगर इजाजत हो तो उस वक्त तक मैं जरा पियानो से जी बहला लूं। ओह श्योर श्योर। देखिए डॉक्टर साहब, आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ बरखा और पंडित जी मौजूद हैं। थैंक यू। आप किसी किस्म का तकल्लुक न कीजिएगा, आपका अपना ही घर है। जी तकल्लुफ कैसा, और जब जिंदगी एक साथ गुजारनी है तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ। थैंक यू। आप किसी किस्म का तकल्लुफ न कीजिएगा, आपका अपना ही घर है। जी तकल्लुफ कैसा, और जब जिंदगी एक साथ गुजारनी है तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेलिटी। थैंक यू थैंक यू। बाय 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 बाय। ओ बरखा, क्या बात है बेबी जी? देख बरखा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं ना लौटूं तुम जरा बैरिस्टर को बातों में लगाए, उस अंग्रेजी तोते को। फिकर मत करो बेबी जी, मैं उसे पे। देख बरखा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं ना लौटूं तुम जरा बैरिस्टर को बातों में लगाए, उस अंग्रेजी तोते को। फिकर मत करो बेबी जी, मैं उसे पेट भर कर वनस्पति घी की पूरी खिलाऊंगी ताकि वो भी याद करे। तलाक मिल सकती है। अच्छा अच्छा, मैं तेरा तलाक बाद में देखूंगा, पहले उस बालिस्टर के बच्चे को देखता हूँ जिसने तुझे तलाक दिया। जा जा देख ले। ए, ए, सुन, क्या है? तो कौन से कमरे में है? तू ढूंढ लेना। अच्छा ढूंढता हूँ और उसका सर भी फोड़ता हूँ। जा फोड़ दे। अरे हाँ हाँ फोड़ता हूँ। लवली बेहो अंग्रेज, वही वो बालिस्टर है जो मेरी बीवी को मुझसे छुड़ा रहा है। Who are you? तुम कौन है? अरे हम है पंडित मेघनाथ बरखा का घर वाला, जिसको तूने अभी अभी तलाकनामा लिख कर दिया। बीवी को मुझसे छुड़ा रहा है। Who are you? तुम कौन है? अरे हम है पंडित मेघनाथ बरखा का घर वाला, जिसको तूने अभी अभी तलाकनामा लिख कर दिया है। तलाकनामा? I don't know any तलाकनामा। हम किसी बरखा को नहीं जानता है। हम नहीं जानता है? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तू ही मेरा घर उजाड़ रहा है और ऊपर से हमको अंग्रेजी में गाली देता है। Oh, shut up, I don't know what you're talking। अरे फिर अंग्रेजी में गाली? बता मेरी बीवी मुझे वापस करता है कि नहीं करता है? Oh my God, किन जंगलियों में फंस गया हूँ मैं। जाता कहाँ है? बोल मेरी बरखा मुझे वापस करता है कि नहीं करता? हम तुमको कितना वक्त बोला, हम किसी को नहीं जानते हैं। किसी को नहीं जानता है फिर झूठ? अरे मेरी धर्म पत्नी तो सारे शहर में भूतनी की तरह मशहूर है और तू से नहीं जानता। बता वो तलाकनामा लिखने का तूने उससे कितना दाम लिया है? नो मिस्टर पंडित नो, ना हमने उससे कुछ दिया है। तुम हमारा पीछा छोड़ो। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग, प्लीज। बालिस्टर साहब, तुम अंग्रेजी चलाएगा तो हम डंडा चलाएगा, हम धर्म से बोलता तुम्हारा ठोक हो जाएगा। तुम अंग्रेजी चलाएगा तो हम डंडा चलाएगा, हम धर्म से बोलता तुम्हारा ठोक हो जाएगा। छोड़ दो। 420 पहले मेरी बरखा का तलाकनामा वापस कर, वरना मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अरे मगर किधर से वापस करूं? छोड़ दो। 420 पहले मेरी बरखा का तलाकनामा वापस कर, वरना मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अरे मगर किधर से वापस करूं? जन्म से वापस करूं जो ये क्यों कागज छोड़ दो? तुम हमसे झंडा मांगते हो? हाँ झंडा करने मांगते हाँ कमान, हम भी बॉक्सिंग सिखाए पंडित। हाँ तुम्हारा माफक नहीं है। कमान सामने आओ। क्या है तुम्हारा जैसा? हम बहुत देखा है मालूम है पंडित। पंडित तुम लड़ना मांगते हमसे? हाँ युद्ध करेगा। हाँ ये डंडा हमको डिस्टर्ब करता है, इसको रखो पहले। अच्छा ठहरो, ऑल राइट हम रख के आता है। ऑल राइट अरे क्या युद्ध करेगा? हाँ ये डंडा हमको डिस्टर्ब करता है, इसको रखो पहले। अच्छा ठहरो, ऑल राइट हम रख के आता है। ऑल राइट
अरे 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 सरिता, आखिर इस वीराने में आने की क्या जरूरत है? जब दिल वीरान हो जाता है तो शहर में जी नहीं लगता। कुछ परेशान सी नजर आ रही है। इसलिए तो तुम्हें यहां लाई हूं। शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। कहो, एक बात का जवाब दो, क्या लाई हूं? शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। कहो, एक बात का जवाब दोगे? पूछो। इंसान अगर कोशिश के बावजूद अपनी मंजिल पा न सके तो उसे क्या करना चाहिए? सरिता, मैं तो जिंदगी के राह में खुद एक भटका हुआ राही। इस बात का क्या जवाब दूं? तो ये बताइए, अगर एक तरफ फर्ज हो और दूसरी तरफ प्यार, तो किसका साथ देना चाहिए? ये तो अपने अपने हिम्मत की बात है सरिता। ऐसी सूरत में फर्ज को बलिदान और प्यार को खुदगर्जी कहा जाता है। तो आप अपने अपने हिम्मत की बात है सरिता। ऐसी सूरत में फर्ज को बलिदान और प्यार को खुदगर्जी कहा जाता है। तो आप भी इस बात को मानते हैं? मैं तो मानता हूं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप भी इस बात को मानते हैं? मैं तो मानता हूं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मजबूर जो हो गई हो, शांति ढूंढ रही हूँ राजू। खैर, चलिए, यहाँ आकर तो दिल और घबरा गया। चलिए चलिए ना। हेलो, जरा ऊंचा बोलिए ना। बेटी सरिता, मैं हूँ मैं। हाँ, बाहर से कब लौटी बेटा? जी जी, मैं काफी देर हो गई दीदी, सो गई थी। अरे, तुम्हारी आवाज में क्या हो गई? बिल्कुल पहचान ही नहीं जाती। मैं काफी देर हो गई दीदी, सो गई थी। अरे, तुम्हारी आवाज में क्या हो गई? बिल्कुल पहचान ही नहीं जाती दीदी। सर में सख्त दर्द है, दर्द के मारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। सोने दीजिए ना डैडी। सर में दर्द? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। उमा, ये तो पकड़ी गई। डेडी का फोन था,
मैंने आपकी तरफ से झूठ मूठ सरदर्द का बहाना कर दिया है। वो दवाई लेके इधर ही आते होंगे, जरा संभाल लीजिएगा। अच्छा। मेरी नौकरी मैं अच्छा तू जा। बरखा जी, इस वक्त कहाँ से आ रही है? जी जी मालिक, मैं तो सरिता बहन के सर में सख्त दर्द था, मैं उनकी चंपी करके आ रही हूँ। ओह अच्छा जी। क्यों बेटा, अब सर का दर्द? क्यों बेटा, अब सर का दर्द कैसा है? पहले से बहुत कम है डैडी। कई बार तुम्हें समझाया, खुली हवा में मोटर तेज न चलाया करो। दर्द कैसा है? पहले से बहुत कम है डैडी। कई बार तुम्हें समझाया, खुली हवा में मोटर तेज न चलाया करो, हवा लग जाने का डर होता है। बड़ी जोर से नींद आ रही है डैडी, आगे आप जाकर सो जाइए। जब बेटी की तबीयत ठीक ना हो तो बाप को कैसे नींद आ सकती है? देखो ना, तुम्हारे सर में हल्का सा दर्द था और मैं सुनते ही दवाई लेकर चला आया। बेटा, जिस तरह माँ बाप के सर में हल्का सा दर्द था और मैं सुनते ही दवाई लेकर चला आया। बेटा, जिस तरह माँ बाप बच्चों की जरा जरा सी तकलीफ पर घबरा जाते हैं, उसी तरह औलाद को भी चाहिए कि माँ बाप के दुख दर्द का ख्याल रखे। डैडी, इस वक्त आपको इन बातों का ख्याल कहाँ से आ गया? इसका जवाब तुम अपने दिल से पूछो। ख्याल रखे। डैडी, इस वक्त आपको इन बातों का ख्याल कहाँ से आ गया? इसका जवाब तुम अपने दिल से पूछो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में ऐसा कदम कभी ना उठाना जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में ऐसा कदम कभी ना उठाना जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे, मेरे खानदान के नाम पर बट्टा लगे। मैंने तो कभी ऐसा कदम नहीं उठाया डैडी। मैंने भी कब कहा बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें आइंदा के लिए होशियार कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैं दवाई यहाँ रख के जा रहा हूँ, अब तुम सो जाओ, आराम करो। आराम करो बेटा। गुड मॉर्निंग कहने की गुस्ताखी कर सकता हूँ जी? मैं गुड मॉर्निंग कहने की गुस्ताखी कर सकता हूँ जी? जी आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन सरिता जी। कोई बात नहीं। अरे हाँ, आप कल एकाएक क्यों चले गए थे? बरखा कह रही थी आपने लंच भी नहीं खाया। अरे साहब, कल की मुसीबत मत पूछिए। क्या बताएं साहब आपसे कि कल पौने चार। बरखा कह रही थी आपने लंच भी नहीं खाया। अरे साहब, कल की मुसीबत मत पूछिए। क्या बताएं साहब आपसे कि कल पौने चार बजे तक लंच के चक्कर में कोल्हों के बैल की तरह से चक्कर लगाता रहा, मगर लंच नहीं मिला, और यहाँ से भागता 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 जो अपने दोस्त के यहाँ पहुंचा तो वहाँ भी भाई लोग खाना वाना खा के तमाम प्लेटें साफ कर चुके थे, वहाँ भी भूखा ही मरना पड़ा। तो प्रेमनाथ जी, इसका मतलब ये हुआ वेरी नॉटी। भाई लोग खाना वाना खा के तमाम प्लेटें साफ कर चुके थे, वहाँ भी भूखा ही मरना पड़ा। तो प्रेमनाथ जी, इसका मतलब ये हुआ वेरी नॉटी। अरे ये फूल कहाँ से है?
वो दरअसल कल भी खाली हाथ जल्दी में चलाया, सोचा कि बड़ी आउट ऑफ एटिकेट बात है, इसलिए मैं। और फिर आपको फूलों का शौक भी तो बहुत है ना। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मुश्किल से ये फ्लावर्स मिले हैं। अच्छा? बड़ी मुश्किल से। इंग्लिश डेफोडिल्स हैं, हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर एचएल जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी इंटरनेशनल फ्लोरिस्ट, उन्होंने मंगवा के दिया स्पेशली। हाँ रियली वेरी गुड। देखिए आपके पसंद की एक और चीज लाया हूँ मैं। ये क्या? अरे साहब ये है पोएम बुक बाई दैट फेमस पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड मिस्टर चेस्टरफील्ड। प्लीज रीड इट। इंग्लैंड केबल करके वहाँ के बेहतरीन होटल ईस्ट और वेस्ट में दो कमरे भी बुक करा लिए हैं। दो कमरे? हाँ। तो क्या आप दो कमरे में रहते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि एक कमरा कपल के लिए और एक समझिए कि ड्राइंग रूम वगैरह। अच्छा तो आपके साथ और कौन जा रहा है? अब आप मजाक कर रही हैं, मैं जानता हूँ कपल के लिए और एक समझिए कि ड्राइंग रूम वगैरह। अच्छा तो आपके साथ और कौन जा रहा है? अब आप मजाक कर रही हैं, मैं जानता हूँ यू हैव गॉट वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। यस। और हाँ राय साहब कहाँ हैं? डैडी वो तो सो रहे हैं। अच्छा मैं जरा कपड़े बदल लूँ, जब तक आप उस रूम में बैठिए मैं अभी ठंडी लस्सी भेज देती हूँ। लस्सी? देखिए अगर एक प्याली गर्म चाय हो सके तो अच्छा है। जी माफ कीजिएगा हमारे यहाँ चाय कोई नहीं पीता। तो कोई बात नहीं है, एक गिलास लस्सी से ही, इंडियन क्लाइमेट के लिए तो लस्सी बहुत अच्छी होती है। तो कोई बात नहीं है, एक गिलास लस्सी से ही, इंडियन क्लाइमेट के लिए तो लस्सी बहुत अच्छी होती है। ओ बलस्तर साहब। ओ हेलो मिस्टर पंडित जी, कैसे हैं आप? अच्छा है, अच्छा है। लस्सी पियो? लस्सी? हाँ जी। वाह 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 वाह, मैं सोच ही रहा था। हाँ जी। कदर स्वादिष्ट है, मैंने सचमुच ऐसी लस्सी नहीं पी। नहीं पी? दूसरा गिलास भी पियो। इस कदर स्वादिष्ट है, मैंने सचमुच ऐसी लस्सी नहीं पी। नहीं पी? दूसरा गिलास भी पियो। दूसरा? हाँ। मेरे ख्याल से जरा गर्मी है ना? बहुत गर्मी है। थैंक यू थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप जाके पेट भरा? पेट भरा? हाँ। अभी ये तीसरा गिलास भी उठाओ। तीसरा? ज्यादा बात नहीं मत। आप जाके पेट भरा? पेट भरा? हाँ। अभी ये तीसरा गिलास भी उठाओ। तीसरा? ज्यादा बात नहीं मांगता, उठाओ। गिलास ज्यादा हो जाएगा, उठाओ। अच्छा आप मजबूर कर रहे हैं, आप पियो, उठाओ। ग्लास ज्यादा हो जाएगा, उठाओ। अच्छा आप मजबूर कर रहे हैं, आप पियो। मजा आया? अच्छा मजा आया। अब ये चौथा गिलास भी ड्रिंक हो। नहीं नहीं पंडित जी, मैं सौगंध से कहता हूँ कि आपकी औरत का तलाकनामा मैंने रद्द करवा दिया है। तू मानता है कि तलाकनामा तूने ही दिलाया था? अरे किसी के घर में आग लगाने का भला तुझे क्या अधिकार है? डाल ये चौथा गिलास ड्रिंक को। अधिकार कोई नहीं, गलती हो गई। ड्रिंक को, ये आखिरी ड्रिंक को। हाँ तुम पियो तो पहले ड्रिंक को। ओह
बस पंडित जी। अरे बस क्या भी, पांचवा गिलास ड्रिंक को। नो ड्रिंक को। अरे नो क्या ड्रिंक को, मैं नहीं पीऊंगा। अरे तुझे पीना पड़ेगा। नो। अरे ठहर तो सही। नो क्या, ओ माय गॉड, है भाई का। प्लीज प्लीज पंडित। अरे पंडित की आप हारने, पहले ये दो गिलास खत्म करो फिर भागने की कोशिश करो। नो। अरे यस नो। अरे ड्रिंक। नो पंडित ड्रिंक। बस मैं मेहमान की खातिर कर रहा हूँ। नो नॉट खातिर राय साहब, एक नहीं दो नहीं चार चार लस्सी के गिलास मुझे पिलवा चुका है, और अगर आप जरा देर से आते तो ये दो गिलास और मुझे पिलवा कर छोड़ता। मालिक मालिक क्या हुआ, घर आया किसी की सेवा करना तो अपना धर्म है। नहीं मैनेजर साहब, तो किसी मशीन में आकर हाथ कट गया है। एम्बुलेंस तो आ रही है, मगर गरीब का हाथ कहाँ से आएगा। राजू पहले मौके के लिए जाकर देखो। मैनेजर साहब कितना अच्छा होता अगर इससे पहले आप मशीन की हालत देख लेते। आप मत जाना मैनेजर साहब, कहीं रामू के माँ बाप की चीख और पुकार और उसके बच्चों की सिस। फोरमैन, यस सर, तुम साथ जाओ। यस सर। आप मत जाना मैनेजर साहब, कहीं रामू के माँ बाप की चीख और पुकार और उसके बच्चों की सिस्तियाँ सुनकर आपका कलेजा फट जाए। तुम अपनी नौकरी की खैर करो। बस आ गए ना अपनी असलियत पर, जब कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो अपने कुर्सी के रोब से दबाने लगे। मैं तुम्हें इस वक्त बहुत मेहरबानी आपकी, जाओ अपना हिसाब कर लो। हिसाब घर भेज देना। लेकिन गरीबी में नौकरी छूट जाना कोई मामूली बात नहीं। लेकिन अपने लिए कोई नई बात नहीं सरिता देवी, हम तो जन्म से नौकरी करते आए हैं और दुनिया हमारी नौकरी छुड़वाती आई है। लेकिन अपने लिए कोई नई बात नहीं सरिता देवी, हम तो जन्म से नौकरी करते आए हैं और दुनिया हमारी नौकरी छुड़वाती आई है। तो इसके बाद क्या करने का इरादा है। इरादा तो यह है कि शहर ही छोड़ जाऊं। लेकिन मुसीबत से घबरा के भाग जाने का नाम तो शिकस्त है। तो फाके करके मर जाने का नाम क्या है। सरिता, दुनिया का हर आदमी सुखी होता अगर उसके शरीर के साथ पेट न लगा होता। सच कहते हो राज बाबू, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें फाके करने की क्या जरूरत। फाके कोई अपनी खुशी से नहीं करता, लेकिन किसी के एहसान पे जिंदगी मर जाना अच्छा है। ऐसा ना कहो, तुम मेरे लिए। सरिता, दुनिया में इंसान के लिए दो ही गम है, एक भूख का और एक मोहब्बत इंसान से कुर्बानी मांगती है। मैं शहर छोड़कर नहीं जा, एक भूख का और एक मोहब्बत इंसान से कुर्बानी मांगती है। मैं शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा सरिता। अच्छा। बैरिस्टर प्रेमनाथ। ओ बैरिस्टर प्रेमनाथ। बैरिस्टर साहब आपकी फीस क्या है। जी हाँ, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए मिस्टर कि मेरी शादी सरिता से होने वाली है, और इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका यहाँ खुल्लम खुल्ला वक्त बेवक्त आने का मतलब क्या है। व्हाई डू यू कम हियर। बैरिस्टर साहब, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनकी नहीं, बाकी रहा खुल्लम खुल्ला आने का सवाल, तो जवाब यह है कि जब एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी से मिलने आता है तो चोरी छप्पे नहीं आता, वो खुल्लम खुला ही आता है, और खासकर जब माले मकान ने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी से मिलने आता है तो चोरी छप्पे नहीं आता, वो खुल्लम खुला ही आता है, और खासकर जब माले मकान ने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
मेरे ख्याल में सारा केस आपकी समझ में आ गया। तुम मुझे केस समझाने आए हो? तुम अपना रास्ता लो। अजी ये रास्ता आपका है और ये रास्ता हमारा है। और प्रेमनाथ जी एक बात याद रखिए कि अगर आप फिर यहाँ देखे गए तो किसी के घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में पुलिस पकड़ ले। इससे यू स्टॉप हमारा है। और प्रेमनाथ जी एक बात याद रखिए कि अगर आप फिर यहाँ देखे गए तो किसी के घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में पुलिस पकड़ ले। इससे यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड आई से दैट यू स्टॉप दिस बक बक। ओके नहीं बेटा नहीं, नौकरी गई सो गई, अब कचहरी के दरवाजे पर ना खड़ा हो। मान ले मेरी बात बेटा। पिताजी खामोशी से मर जाना क्यों सिखाते हैं आप? आजकल किसी की नौकरी छीनना कोई आसान बात नहीं। लेबर यूनियन में मेरा फैसला दो ही दिन में हो जाए। नहीं नहीं बेटा नहीं, इधर आ, इधर आ, मेरी बात सुन मेरे लाल, आ मेरे राजू, इधर आप। आजकल किसी की नौकरी छीनना कोई आसान बात नहीं। लेबर यूनियन में मेरा फैसला दो ही दिन में हो जाए। नहीं नहीं बेटा नहीं, इधर आ, इधर आ, मेरी बात सुन मेरे लाल, आ मेरे राजू, इधर आ, इधर आ। आखिर सोहन तेरा भाई है, भाई भाई के खिलाफ कचहरी में खड़ा हो ये अपनी मर्यादा नहीं। अपना हिसाब कर ले, भगवान तुझे और देगा। भगवान तो और देगा पिताजी, लेकिन आजकल के इंसान को क्या हो गया है? नमस्ते पिता। अरे कुंदन तो आ गया। आज तुझे हमारी याद कैसे आ गई बेटा? मैं तो तुमको रोज याद करता हूँ दादी माँ। मम्मी ने अखबार भेजा है। अखबार किस लिए? मम्मी कहती थी इसमें एक डॉक्टर का पता है जो भी अभी जर्मन से आया है, आंखों का बहुत अच्छा इलाज करता है। दादा की आंखों का इलाज करवा लेना। तेरी माँ ने चेक नहीं भेजा साथ में? चेक तो नहीं भेजा। संध्या बहु जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सोहन से मालूम हो गया होगा कि राजू की नौकरी छूट गई। संध्या बहु जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सोहन से मालूम हो गया होगा कि राजू की नौकरी छूट गई। कुंदन अपनी माँ से कहना कि उसने बहुत अच्छा किया जो माँ बाप की सेवा का अवसर मुझे दिया है। कह दूंगा। दादाजी आपकी आंखें अच्छी हो जाए। कुंदन अपनी माँ से कहना कि उसने बहुत अच्छा किया जो माँ बाप की सेवा का अवसर मुझे दिया है। कह दूंगा। दादाजी आपकी आंखें अच्छी हो जाए तो मुझे लड्डू जरूर खिलाना। अच्छा तुझे ही क्यों बेटा, तेरी माँ को भी खिलाएंगे। लड्डू खाएगा। बेटा तू मेरी आंखों के लिए क्यों परेशान होता है? मैंने दुनिया देख ली है, मुझे क्या देखना, और मेरी आंखें तो तू है। क्यों हुआ बेटा? कुछ नहीं पिताजी। यू क्यों हुआ बेटा? कुछ नहीं पिताजी, आपकी आंखें जरूर अच्छी हो जाएगी। आइए। हेलो माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर सोहन लाल, हैव इंडियन स्वीट। तुम खाओ, मैं तो रोज ही खाता हूँ। राइट मैं साहब एक बात पूछूं? बोलो। एनी न्यूज?
क्यों? लाल हैव इंडियन स्वीट। तुम खाओ, मैं तो रोजे खाता हूँ। राइट यू आर। साहब एक बात पूछूं? बोलो। एनी न्यूज? क्यों, बहुत घबराहट हो रही है क्या? नहीं नहीं, इसमें घबराहट की कौन सी बात है? घबराहट तो उसको हो जिसे लड़कियों की कमी हो। मैं तो सोचता हूँ कि खानदान अच्छा है और फिर वो लड़की भी कुछ बुरी नहीं, और फिर हमारे उसके रिश्ते से आपकी तरक्की एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई साहब एक बात और है। क्या? एक यतीम सा लड़का सरिता से मिलने जुलने के लिए वहाँ घूमता फिरता रहता है, कुछ बड़ा मुंह लगा हुआ है वो। तुम शायद राजू की बात कर रहे हो? राजू? हाँ बस यही कुछ उल्टा सीधा उसका ऐसे ही नाम है, उस घसियारे का। आई डोंट नो हिम। वो है कौन? वो मेरा फिरता रहता है, कुछ बड़ा मुंह लगा हुआ है वो। तुम शायद राजू की बात कर रहे हो? राजू? हाँ बस यही कुछ उल्टा सीधा उसका ऐसे ही नाम है, उस घसियारे का। आई डोंट नो हिम। वो है कौन? वो मेरा छोटा भाई है। यानी मेरी सिस्टर के सुसर ने दो शादियां की थी? नहीं प्रेम, है तो वो मेरा सगा भाई, लेकिन है दुश्मन से भी बदतर। हमारी मेरा छोटा भाई है। यानी मेरी सिस्टर के सुसर ने दो शादियां की थी? नहीं प्रेम, है तो वो मेरा सगा भाई, लेकिन है दुश्मन से भी बदतर। वेरी बैड। हमारी मिल में काम करता था, उसकी हरकतों से तंग आकर मैंने उसे डिसमिस कर दिया। वेरी गुड एक्ट यू हैव डन माय ब्रदर। मगर ये है कि वो लड़का वहाँ क्यों आता जाता है? जाता होगा कविता वविता सुनाने। कविता? पोएट्री यानी शायरी का मरीज है, है? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अब सोचने की गुंजाइश ही कहाँ है प्रेम? राय बहादुर साहब से मैं कविता पोएट्री यानी शायरी का मरीज है, है? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अब सोचने की गुंजाइश ही कहाँ है प्रेम? राय बहादुर साहब से मैंने तुम्हारी शादी बुधवार की तय कर दी है। बुधवार? मेरे कानों ने क्या सुना? एक मरतब फिर कहिए भाई साहब। हाँ हाँ, इसी बुधवार को तुम्हारी शादी होगी। बुधवार? ओह माय गॉड, इंग्लिश में ट्यूसडे। नहीं भैया, इंग्लिश में वेंसडे। 24 आवर लेट। नेवर माइंड, मगर मैं फिर भी इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ भाई साहब। तो बस जल्दी से तैयारी कर लो। हाँ हाँ एकदम जल्दी। ₹2000 जल्दी। ₹2000 इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे बेटा? तू घबरा मत ना, जब तक राजू जिंदा है सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते राजू भैया। इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे बेटा? तू घबरा मत ना, जब तक राजू जिंदा है सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते राजू भैया। आओ भाभी, तुम कैसे रास्ता भूल गई आज? आओ बहू बैठो, सब कुशल तो है घर में? सब आपके चरणों का प्रताप है माँ जी। अगले बुध को मेरे भैया की शादी है, मिठाई ही कराई है। काश आज प्रतिमा बहन भी जिंदा होती तो वो भी ये राग रंग देखती। बेटी, जितना सुख जिसके लिखा हुआ होता है उतना ही वो भोगता है। माँ जी, तो वो भी ये राग रंग देखती। बेटी, जितना सुख जिसके लिखा हुआ होता है उतना ही वो भोगता है। माँ जी, आपके आशीर्वाद से बड़े ही अच्छे घर में शादी हो रही है। अच्छा है, अच्छा है बहू, भगवान सबका भला करे। लेकिन माँ जी, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि कौन से घराने में शादी हो रही है। खैर मैं खुद ही बताई देती हूँ। हाँ, हाँ, बताओ बेटी। राय बहादुर बद्रीनाथ मिल मालिक जो है उनकी लड़की सरिता की कौन से घराने में शादी हो रही है। खैर मैं खुद ही बताई देती हूँ। हाँ, हाँ, बताओ बेटी। राय बहादुर बद्रीनाथ मिल मालिक जो है उनकी लड़की सरिता से हो रही है। तुमने तो देखी होगी राजू? हाँ देखी है राजू, काफी अच्छी लड़की है। और तुम्हारे भाई वही से हो रही है? तुमने तो देखी होगी राजू? हाँ देखी है राजू, काफी अच्छी लड़की है। और तुम्हारे भाई वही है ना ब्रिस्टर प्रेमनाथ? वो भी काफी अच्छे हैं। अच्छा, तो तुम उनसे मिल चुके हो? हाँ ना ब्रिस्टर प्रेमनाथ? वो भी काफी अच्छे हैं। अच्छा, तो तुम उनसे मिल चुके हो? हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं भाभी। चलो ये तो और भी अच्छा हुआ। अच्छा माँ जी, मैं मिठाई रखे जाती हूँ। देखो भैया, शादी में आना मत भूलना। जब अपने ही अपनों की खुशी में शरीक नहीं होंगे तो और कौन होगा भला? कहती हूँ ना। अच्छा माँ जी, आज तो बहू की जबान से अमृत टपक रहा था। आप नहीं जानते पिताजी,
क्या किया बेटा? मिठाई क्यों फेंक दी? ये क्या किया बेटा? मिठाई क्यों फेंक दी? माँ जो भाभी खीर में मिट्टी का तेल मिला सकती है, उसकी मिठाई में कितना जहर हो सकता है तुम नहीं जानती। माँ जो भाभी खीर में मिट्टी का तेल मिला सकती है, उसकी मिठाई में कितना जहर हो सकता है तुम नहीं जानती। राजू भैया मुबारक हो बरखा। सुना है तुम्हारी मालकिन की शादी हो रही है। हाँ हो रही, लेकिन शादी नहीं बर्बादी। न जाने मालिक की अकल पर क्या पर्दा पड़ गया है कि सरिता बहन की शादी इस अंग्रेजी तोते के साथ कर रहे हैं। भैया आप कुछ नहीं कर सकते? जो कुछ करो वही कर। कि सरिता बहन की शादी इस अंग्रेजी तोते के साथ कर रहे हैं। भैया आप कुछ नहीं कर सकते? जो कुछ करो वही कर दूं बरखा। मंडप तैयार कर दूं, दूल्हा का सेहरा लिख दूं, कहो तो बारात के खाने का बंदोबस्त कर दूं। भैया खाली कड़ी सुना रहे हैं, जाओ उनसे जाके कहो ना। करूं बरखा, मंडप तैयार कर दूं, दूल्हा का सेहरा लिख दूं, कहो तो बारात के खाने का बंदोबस्त कर दूं। भैया खाली कड़ी सुना रहे हैं, जाओ उनसे जाके कहो ना। जाओ ना। मैं अंदर आ सकता हूँ? राजा तुम्हें भी अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत है। मैं अंदर आ सकता हूँ? राजा तुम्हें भी अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत है। मैं आए घर में बगैर इजाजत के नहीं आना चाहिए। तो क्या ये पराया घर है? तो आपसे किसने कहा कि ये मेरा अपना घर है? मैं तो सिर्फ एक पड़ोसी के नाते से सगाई की मुबारकबाद देने आया। राजा ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेबसी को तुमने सगाई का नाम दे दिया। सरिता बेबस वो होता है जो फरियाद करे और सुनवाई ना हो, लेकिन यहाँ तो खामोशी से नहीं दुनिया बसाई जा रही। राजा दिल की दुनिया फरियाद करे और सुनवाई ना हो, लेकिन यहाँ तो खामोशी से नहीं दुनिया बसाई जा रही। दिल की दुनिया सिर्फ एक ही बार बसती है। और उजड़ती भी एक ही बार है सरिता। नहीं राजू, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। हाँ सरिता, मैंने जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत निकला। वो गलत है। हाँ सरिता, मैंने जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत निकला। शहर छोड़कर जाना चाहता था तो मोहब्बत का वास्ता देकर तुमने मुझे रोक लिया। उस दिन तुम्हारी इल्तिजा को मैं तुम्हारा प्यार समझा था। सरिता आज पता चला तुमने सिर्फ मुझे अपनी शादी में शरीक होने के लिए यहाँ रोका था। लेकिन घबराओ नहीं सरिता, मैं इतना कमजोर दिल नहीं हूं कि दीवानों की तरह मारा मारा फिरूंगा। सरिता मोहब्बत करने से पहले उसका कम बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और वो मुझमें है। सरिता दीवानों की तरह मारा मारा फिरूंगा। सरिता मोहब्बत करने से पहले उसका कम बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और वो मुझमें है। सरिता भगवान करे तुम जहां भी रहो खुश रहो आबाद रहो। अरे पंडित जी कुछ बोलोगे भी या यूं ही उठ बैठ करते रहोगे? पंडित जी जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। कसम भगवान की 2 रुपए दूंगा चांदी के। हाँ देखो पुत्र ही होगा ना।
देखना हाथ उसका देखना पड़ेगा। जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। कसम भगवान की 2 रुपए दूंगा चांदी के। हाँ देखो, पुत्र ही होगा ना। देखना हाथ उसका देखना पड़ेगा जिसको बच्चा होने वाला है। अरे भाई, पुत्र हमारे यहाँ ही होगा ना। मैं मोहल्ले वालों की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि हाथ स्त्री का जिसको बच्चा होने वाला है। अरे भाई, पुत्र हमारे यहाँ ही होगा ना। मैं मोहल्ले वालों की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि हाथ स्त्री का देखना होगा। स्त्री का हाथ देखना होगा। अच्छा अच्छा पंडित जी, किंतु एक शर्त है। देखिए, मेरी स्त्री का हाथ हाथ में लेकर नहीं देखना होगा, क्योंकि मेरी स्त्री जो है ना, वो मेरे सिवा किसी पराये पुरुष के हाथ को नहीं छूता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुला बुलाऊं घरवाली? ओ घरवाली, नमस्ते। नमस्ते। आ बेटा, बैठो बैठो। एक काम करो, अपने माता को भी साथ में अंदर से लेके आओ। हाँ, हाँ माता जी। हाँ। पंडित जी, किसकी माता जी? तो क्या ये आपकी कन्या नहीं? एक काम करो, अपने माता को भी साथ में अंदर से लेके आओ। हाँ, हाँ माता जी। हाँ। पंडित जी, किसकी माता जी? तो क्या ये आपकी कन्या नहीं? अरे सवा सत्यानाश तेरे ज्योतिष का, ये मेरी कन्या नहीं, ये तो मेरी घरवाली है। क्षमा करना, देर से शादी हुई होगी। हैं? बड़ी देर से क्या, मैं तुम्हें बुढ़ा नजर आ रहा हूँ? अरे ये 22 बरस की है तो मैं 23 बरस का हूँ। घर का खाता पीता हूँ, इसलिए शरीर से जरा हृष्ट पुष्ट हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लाओ देवी, अपना हाथ पकड़ो। पंडित जी ठहरो। हाँ। हाथ मैं पकड़ता हूँ, देखो तुम। हाँ। देखो, हिलो मत, हिलो मत, बैठ के देखो अच्छी तरह। अरे देखो पंडित जी, एक रुपया रख दो। एक रुपया? पंडित जी एडवांस मांग रहे हो? अच्छा अच्छा, लो लो ये लो पंडित जी, लो ये 2 चांदी के थनिये लो। एडवांस नहीं यजमान। हाँ। ये मैं पूरी दक्षिणा ले रहा हूँ, कन्या होने वाली है। कन्या होने वाली है? हाँ। कन्या? लो लो लो, मेरे पैसे वापस करो। वापस करो? अरे वापस करो कह रहा हूँ, वापस करो, वापस करो। अब मैं वापस क्यों करूँ? मैं मैंने पहले नहीं कहा था कि लड़का होगा तो 2 रुपए लूंगा? और कन्या होने वाली है, एक ही ले रहा हूँ। कन्या का 1 रुपया, लड़के के 2 रुपए। अगर कुछ ना हुआ तो अपने पल्ले से मुझे दोगे? छोड़ो छोड़ो कह रहा हूँ, अंदर जाओ जी, अंदर जाओ, मैं तो पानी की सेवा करता हूँ। अरे छोड़ो, जजमान का बच्चा, चल बाहर चल बाहर, अपना पोथी पथरा बाहर में चल। अरे पहलवान की लड़की, चल तो उठ, पहलवान की लड़की, उठ जल्दी उठ। अरे उठ ना, अरे चारपाई नहीं खराब कर रहा है, चल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने आज पहली मर्तबा नमस्ते की मॉर्निंग कहा। डार्लिंग, दिन मिलते देर नहीं लगता। क्या हो रहा है? आज शाम को नाटक जाने का ख्याल हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ डैडी, आज शाम को रंगमहल में बहुत अच्छा नाटक है। 3 टिकटें मंगवा लीजिए। 3? हाँ। तीसरा कौन? आप भी तो चलेंगे ना डैडी? नहीं बेटा, आज शाम को मिल ओनर्स एसोसिएशन की अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। मैं टिकट का इंतजाम कर देता हूँ, तुम दोनों चले जाना। ओह यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you.
छोड़ सूरत पे मरी, जो दिल को छोड़ सूरत पे मरी, बदनाम प्यार का नाम करे, बदनाम करे जी बदनाम करे, जो दिल को छोड़ सूरत पे मरी, बदनाम प्यार का नाम करे, बदनाम करे जी बदनाम करे। एक मिनट वहीं बैठे, सामने की रो में मेरी एक सहेली है, मैं उसे शादी की दावत दे आई। शादी की दावत? ओ श्योर, वेल डन। आप भी चल सकते हैं। मैं नहीं, मुझे शर्म आती है डार्लिंग, शादी के बाद यू अंडरस्टैंड। श्योर।
आप बोर तो नहीं हुए ना? ओ नो, मोहब्बत में इंतजार भी मजा दे जाता है। पहली से मुलाकात हुई? जी हाँ, उसे शादी की दावत भी दे आई हूँ। वेरी गुड। कह रही थी अगर मेरे बगैर शादी हो जाती तो उम्र भर का गीला रह जाता। अरे चलिए अब दूसरे शब्द। कह रही थी अगर मेरे बगैर शादी हो जाती तो उम्र भर का गीला रह जाता। अरे चलिए अब दूसरे शो के लोग आने शुरू हो गए हैं। ओह यस, लेट्स गो डार्लिंग। कम ऑन। कहिए आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगनी ग्रहण करता हूँ। ये आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगनी ग्रहण करता हूँ। श्योर श्योर पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी मोस्ट बिलवेड वाइफ ग्रहण करता हूँ। अच्छा तो धरिता रानी जी, अब आप कहीं मोस्ट बिलवेड वाइफ ग्रहण करता हूँ। अच्छा तो धरिता रानी जी, अब आप कहिए कि आज से मैं तुम्हें अपना जीवन साथी ग्रहण करती हूँ। कि आज से मैं तुम्हें अपना जीवन साथी ग्रहण करती हूँ। आज से क्यों? ये तो 10 बरस से मेरे पति थे। कौन है आप? इनकी पत्नी शांति। शांति वो सटक मेरी शांति। और इनके एक बच्चे की माँ भी हूँ। प्रेमनाथ, क्या तुम शादीशुदा हो? इनकी पत्नी शांति। शांति वो सटक मेरी शांति। और इनके एक बच्चे की माँ भी हूँ। प्रेमनाथ, क्या तुम शादीशुदा हो? ओ नो राय साहब, नो। ये औरत जो है ना, वो मुझे और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। यू फॉलो इट नाउ। झूठ बोलती हो, वहां तक झूठ बोलोगे। किशोर बेटा, किशोर बेटा, ये कौन है? मेरा डैडी। डैडी तू कहां का है? डैडी ओ नो, आई एम नॉट योर डैडी। आई एम नॉट योर डैडी। ड्रिंक डैडी बदमाश। ओ शट अप यू। मैं आपको नहीं जानता, फिर भी लेडीज फर्स्ट, आप पहले। ओ माय गॉड, ड्रिंको देखा तुम उठ जाओ। आई एम नॉट योर डैडी। आई एम सर, प्लीज आई अंडरस्टैंड माय पोजीशन। मैं आपको नहीं जानता, फिर भी लेडीज फर्स्ट, आप पहले। ओ माय गॉड, झूठ बोलता है ड्रिंको का बच्चा। बेटा ये क्या सुन नाटक है? डैडी जो सुना है इन्हीं की जबानी सुनिए। राय बहादुर साहब, मेरा नाम कमला। आज से कुछ अरसे पहले जब हम दोनों रंगभूमि नाटक कंपनी में काम करते थे, मैं नाटक की हीरोइन थी और ये मामूली एक्टर। मैं अच्छे खासी तनख्वाह पाती थी। रंगभूमि नाटक कंपनी में काम करते थे, मैं नाटक की हीरोइन थी और ये मामूली एक्टर। मैं अच्छे खासी तनख्वाह पाती थी। उन्होंने प्यार का झूठा नाटक रचाकर मुझसे शादी कर ली। फिर कुछ दिनों के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब फिर मेरी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने की देर से मैंने मुझसे आंखें फेर ली। मैंने इनकी तलाश में गांव गांव, शहर शहर के खाक छानी। किसी गैर आदमी के गले पड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे साले साहब तो 10 साल से विलायत में बरसती कर रहे हैं। विलायत में नहीं साहब,
ये नाटक में बलिष्ठ का पाठ अदा करते थे, तब से इनका नाम बलिष्ठ प्रेमनाथ में शुरू हो गया। एकदम झूठ है ये। नाटक में काम करना तो क्या, मैंने तो कभी नाटक देखा नहीं, आई हैव नेवर सीन अ नाटक। मेरा काली एक दुश्मन की साजिश। भाई साहब मुझे याद आया, कहीं आग लगाई हुई उस कमबख्त राजू की तो नहीं है? मेरा भी यही ख्याल। राइट राय साहब, ये जरूर किसी दुश्मन की साजिश है। प्रेम मेरा काला है, मुझसे ज्यादा इसे और कौन जान सकता है? आप इनके बहन हैं, लेकिन मैं इनकी पत्नी हूँ। ओह शट अप, मुझ कुंवारे पर इल्जाम लगाते हुए इसको शर्म भी नहीं, इसे और कौन जान सकता है? आप इनके बहन हैं, लेकिन मैं इनकी पत्नी हूँ। ओह शट अप, मुझ कुंवारे पर इल्जाम लगाते हुए इसको शर्म भी नहीं आती है। और फिर मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? सबूत चाहिए? ये देखिए, ये तस्वीर मेरे पास है। जब हम दोनों की शादी हुई, कितने अखबारों में हमारी तस्वीरें छपी। मशहूर नर्तकी कमला का बिया कलाकार प्रेमनाथ बलेश्वर के साथ, नाटक की दुनिया के दो कलाकार एक हो गए। समझा, प्रेमनाथ तुम सब मिलकर हमारी पगड़ी उछालना चाहते थे? ओह नो सर, यू डोंट अंडरस्टैंड सर, ये जो फोटो है ना, और ये औरत है। समझा, प्रेमनाथ तुम सब मिलकर हमारी पगड़ी उछालना चाहते थे? ओह नो सर, यू डोंट अंडरस्टैंड सर, ये जो फोटो है ना, और ये औरत है, और ये जो बच्चा है, ये सब झूठ है। और सर तुम सच्चे हो। राइट सर। पंडित मेघनाथ जी मालिक, को पकड़ के रखो, पुलिस के हवाले करना है। चलो पुलिस, चलो बट प्लीज आई अंडरस्टैंड, पुलिस के क्या मतलब? अरे हम कहते हैं चलो, नहीं तो लाउड ड्रंक जहाँ पर पकड़ने के लिए कहा है। यू सीज मी। अरे लाउड ड्रंक को ड्रंक नो, बस चलो। कमला कमला प्लीज सर, राय बहादुर साहब ऐसा ना कीजिए। आप भी एक लड़की के पास, मैंने आपकी बेटी की जिंदगी। कमला प्लीज सर, राय बहादुर साहब ऐसा ना कीजिए। आप भी एक लड़की के पास, मैंने आपकी बेटी की जिंदगी बचाई, इसके बदले में आप मेरे पति मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ठोकर खाने के बाद मैंने इन्हें पकड़ लिया, इसके बदले में आप मेरे पति मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ठोकर खाने के बाद मैंने इन्हें पाया, अब इन्हें पुलिस के हवाले ना कीजिए। सरिता देवी, सरिता देवी, आप अपने पिताजी को समझाइए। मान जाइए ना। धन्य हो भारत की नारी, धन्य हो। श्रीमान जी, तो क्या मैं हवन सामग्री उठाऊं? नहीं नहीं पंडित जी, मैं सरिता के लिए वर तलाश कर चुका हूँ। मेघनाथ इन्हें छोड़ दो, और मेहमानों से मेरी तरफ से माफी मांग लो। उन्हें कहो कि वो अभी न जाए, मैं अभी लौट कर आया। सुनिए, राजू यहाँ रहता है? जी हाँ, कुछ काम है आपको? लेकिन वो है कहाँ? वो तो इस वक्त बॉक्सिंग के मुकाबले में गए हैं। बॉक्सिंग? कुछ काम है आपको? लेकिन वो है कहाँ? वो तो इस वक्त बॉक्सिंग के मुकाबले में गए हैं। बॉक्सिंग? अपने बाप की आंखों का इलाज करवाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। लाख मना किया लेकिन नहीं माना। आप कौन हैं? मैं, मेरा नाम राय बहादुर बद्रीनाथ। यानी आप सोहन के मालिक हैं? आप कौन हैं? मैं, मेरा नाम राय बहादुर बद्रीनाथ। यानी आप सोहन के मालिक हैं? सुनिए तो, सुनिए, सोहन के मालिक आए हैं। सुनिए सुनिए, और कृपया कौन सोहन के मालिक? कौन सोहन के मालिक? सोहन के मालिक समारे। नमस्ते, हमारे धन्यवाद के आप यहाँ पधारे। हाँ। आइए घर में आइए। हाँ। इस घर को भी पवित्र कीजिए। इस पर माफ कीजिए, मुझे जरा जल्दी है, अब तो आना जाना होता ही रहेगा। अच्छा अच्छा, नमस्ते। Thank you.
राय बहादुर ने लड़का ढूंढ लिया क्या? वो तो लड़का ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मैं नौकरी कहाँ से ढूंढूंगा? मुझे पता ना था कि तुम्हारा भाई इतना लोफर है। 10 बरस से तुम उसके गुनगा रही हो कि वो वलैत गया है, बैरिस्ट्री पढ़ा है, ये करता है वो करता है। अब देख लिया तुमने उसने क्या किया? मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है तुम्हारे भाई ने किया है। सरिता से मिलकर किराए की औरत मंगवाई। राजू समझता होगा मेरा घर फूंक के तमाशा देखेगा। करता है, अब देख लिया तुमने उसने क्या किया? मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है तुम्हारे भाई ने किया है। सरिता से मिलकर किराए की औरत मंगवाई। राजू समझता होगा मेरा घर फूंक के तमाशा देखेगा। कुंदन वहां पहुंच गया होगा, थोड़ी ही देर में राजू के होश ठिकाने आ जाएंगे। कहां भेजा है तुमने कुंदन को? जहां तुम्हारा भाई बॉक्सिंग खेलने गया है। इतनी बड़ी तादाद की बोल, कुंदन वहां पहुंच गया होगा, थोड़ी ही देर में राजू के होश ठिकाने आ जाएंगे। कहां भेजा है तुमने कुंदन को? जहां तुम्हारा भाई बॉक्सिंग खेलने गया है। इतनी बड़ी तादाद की बोतल दी है मैंने कुंदन को। राजू जलकर कोयला ना हो गया तो मेरा नाम भी सरजू नहीं। मेरे भाई पर तेजाब डालने के लिए तुम किसी नागिन के पेट से। खबर राजू मेरी माँ को कुछ कहा तो? सौ बार कहूंगा, हजार बार कहूंगा, लाख बार कहूंगा। सौ बार कहूंगा, हजार बार कहूंगा, लाख बार कहूंगा। खुद ही काटे आपकी आग।
छोड़ के चली गई और अपने अपने कुंदन को पुलिस ले गई। बहुत अच्छा हुआ, भगवान मुझे भी उठा ले तो तेरे कलेजे में ठंडक पहुंच जाए। अपने कुंदन को पुलिस ले गई। बहुत अच्छा हुआ, भगवान मुझे भी उठा ले तो तेरे कलेजे में ठंडक पहुंच जाए। कहाँ है मेरा सोहन? सोहन, सोहन मेरे बेटे सोहन, तू कहाँ है? पिताजी, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई, मेरी आंखें जाती हुई। मेरे होते में तेरी आंखें नहीं जा सकती। राजू बेटा। जी पिताजी। बेटे, मेरी आंखों के इलाज के लिए जो तूने 2000 रुपया जीता, उस रुपए से अपने भाई की आंखों का इलाज करवा दे। क्यों नहीं पिताजी, मैं तो बड़े भैया को भी पिता समान समझता हूँ। जीते रहो बेटा, रुपए से अपने भाई की आंखों का इलाज करवा दे। क्यों नहीं पिताजी, मैं तो बड़े भैया को भी पिता समान समझता हूँ। जीते रहो बेटा। राजू, मेरे भाई, मुझे आंखें नहीं चाहिए। मेरे बाप का प्रायश्चित यही है कि मैं जितने दिन भी जीवन धारी, आप मुझे लगनी चाहिए। नहीं बहू, माँ बाप की जबान बद्दुआ देने के लिए नहीं, दुआ देने के लिए होती। राजू बेटा। जी पिताजी। आप मुझे लगनी चाहिए। नहीं बहू, माँ बाप की जबान बद्दुआ देने के लिए नहीं, दुआ देने के लिए होती। राजू बेटा। जी पिताजी। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या 2000 रुपए से मेरे भैया और पिताजी दोनों की आंखें अच्छी नहीं हो सकती? चिंता मत करो मेरे भाई, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं इस पैसे लिए बिना इन दोनों का इलाज करूंगा। मेरी सबसे बड़ी फीस ये है कि आज एक उजड़ा हुआ घर फिर से आबाद होगा। भगवान तुम लोगों को खुश रखे, आबाद हो। थैंक यू डॉक्टर। लोले लोरुआ मारे गी कचरी पाछ पीर, लोले लोरुआ माँ बाप की पाछ पीर, लोले लोरुआ माँ बाप की। चरण छुए जो चार धरती रथ फल पाए, आ जाए पाप की, बोले लो तुम बाप की।